Okay, good morning everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Oh, thanks for the confirmation. Chalo, start karte hain session ko. To kal ke session mein hum logon ne, I think, nature of roots complete kar liya tha. Uske questions dekh liye the and wo topic ko humne close kiya tha. Aaj humko uske hi aage ka new topic start karna hai, which is quadratic ka hi next part, jisko hum bolte hain location of root. सर आपने लास्ट लेक्चर का पीडीएफ और वो मैथ शीट नहीं भेजी? हाँ बेटा, मैं आज शेयर कर देता हूँ, वो पेंडिंग है, तो आज का और कल का दोनों का साथ में शेयर कर देता हूँ. ओके सर. हाँ, सो अभी जो अपना नेक्स्ट पार्ट है क्वाड्रेटिक का, विच इज लोकेशन ऑफ रूट, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है. ठीक है, क्वाड्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. द रीजन बीइंग, हाँ बेटा. सर गुड मॉर्निंग. जस्ट मैंने आपको कल भेजा था फोटो, आपने रिप्लाई नहीं किया. मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है? रिप्लाई करता हूँ चेक करके. सर मैंने भी आपको एक क्वेश्चन भेजा था. श्योर, एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं चेक करके रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? हाँ, सो दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. द रीजन बींग कि लोकेशन ऑफ रूट्स जो है ना, उसमें अपने पास ऑलमोस्ट हमने अपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्वाड्रेटिक के, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो सब कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं. एंड दिस टॉपिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 9 केसेस. इसमें केस चलते हैं अलग अलग, कि आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि आपका क्वेश्चन कौन से केस को बिलोंग करता है, एंड देन यू नीड टू सिंप्लीफाई और सॉल्व योर क्वेश्चन. ठीक है, अब इसमें केसेस क्या होते हैं, कैसे अप्रोच करना है वो समझना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया प्रॉपरली, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे. अगर आप क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाए कि क्वेश्चन कौन से केस को बिलोंग करता है या फिर क्या कंडीशंस हैं, सो डेफिनेटली क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. बट यस, क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टॉपिक से, बट इतने टिपिकल नहीं है, इजिली आप सॉल्व कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द केस. यस बेटा. सर कल के एग्जाम में कहाँ तक सर, सिर्फ इन इक्वेशंस ऑफ लॉगरिथम ही आएगा सर, ये जो आपने सिखाया था ये वाला? कुछ पार्ट नहीं आएगा, नहीं, क्वाड्रेटिक का कुछ पार्ट नहीं आएगा, ओनली बेसिक इन इक्वेशंस, मतलब जो हमने इन इक्वेशन का पूरा पार्ट पढ़ रखा है, अप टू वेवी कर्व मेथड, अलोंग विद यू कैन से लॉगरिथम. ओके सर. ठीक है, और टेस्ट कल नहीं, आई थिंक परसों है ना? इट्स ऑन संडे. हां सर, सॉरी, परसों. इट्स ओके. हेलो सर. यस बेटा. सर आज शाम को या फिर कल शाम तक अगर कोई मैथ्स का डाउट सेशन अरेंज हो सके तो करो ना सर, बहुत सारे डाउट्स हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि मैं आज इवनिंग में ही आउट ऑफ टाउन निकल रहा हूँ, सो अगर आप पहले बोलते तो मैं कर देता. अभी आज थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार फिर मैं देखता हूँ, लेट्स सी, आई विल ट्राई माय बेस्ट. एक बार देखता हूँ, कुछ स्लॉट मिलता हो तो करते हैं. ओके ओके, एक बार मैं चेक करता हूँ, ठीक है? कुछ टाइम होता है तो आई विल प्लेस द डाउट सेशन. नाउ अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना. यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कि इस कॉन्सेप्ट को पार्ट्स में पढ़ेंगे, सो दैट वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन कौन से केस को बिलोंग कर रहा है. सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केस वन से. पहले एक केस को प्रॉपरली समझ लो, उसको समझ के यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि अपने केसेस को सॉल्व कैसे करते हैं और इसका लॉजिक क्या है. नाउ केस वन इज व्हेन व्हेन बोथ द रूट्स व्हेन बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव. When both the roots are positive. देखो, actually होता क्या है ना, कि आपके पास directly question आता है, उसमें कहीं भी ये word mention नहीं होता, location of root. You need to identify question को पढ़ के कि ये location of root का question है, and then आपको further identify करना होता है कि ये कौन से case को belong करेगा. Like suppose करो कि एक question दिया जहाँ पे बोला कि दोनों root positive हैं, तो बताओ इस constant k का value क्या है. तो this is nothing but case one, जब किसी भी quadratic equation के सभी root positive होते हैं. ठीक है, तो इस केस में हमको क्या करना होता है, हमको फॉर्म करनी होती है कंडीशन. ठीक है, हम बनाएंगे यहाँ पे कंडीशंस और फिर उस कंडीशन के बेसिस पे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि कंडीशंस को फॉर्म कैसे करते हैं, और ये कंडीशन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करनी है. सो यहाँ पे लेट्स से मैं अज्यूम करता हूँ कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. नाउ एज पर द डेटा गिवन टू मी, जो मुझे बताया गया है कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, तो अब इससे कुछ कंडीशंस बनेंगे और यही कंडीशंस अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. फर्स्ट थिंग, कैन आई से अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव आना चाहिए, यस और नो? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. सेकेंड इज, इफ बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव तो उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा?
पॉजिटिव और नेगेटिव, इट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव. एंड थर्ड इज इनका डिस्क्रिमिनेंट. क्या मुझे डेल्टा के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो कि इस इक्वेशन में आपके पास डेल्टा क्या होगा, whether it will be positive or greater than zero. Greater than zero. But I should say it should be equal to zero also, sir. Yes, greater than as well as equal to zero. अब उसका रीजन समझना. सबसे पहले एक चीज ये समझो कि ये टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स. ठीक है, मतलब रूट्स को लोकेट करना. रूट्स को आप लोकेट तभी कर सकते हो जब रूट्स रियल होंगे. क्या नॉन रियल रूट को लोकेट कर पाओगे? नो सर. नो. सो रूट रियल होंगे और रूट रियल होने की कंडीशन हमेशा क्या होती है कि डेल्टा या तो ग्रेटर देन जीरो होता है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है. तो यहाँ पे हम जितने भी केस पढ़ेंगे, टोटल हम 9 केस पढ़ने वाले हैं एक्चुअली, जितने भी केस पढ़ेंगे तो हर एक केस में आपके पास कहीं ना कहीं यही कंडीशन यूज होगा कि या तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस कि कौन से केस में ग्रेटर देन है, कौन से केस में ग्रेटर देन इक्वल टू है. पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है. जो भी कंडीशन आपको दी है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये देखो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों रूट सेम हो जाए. जैसे उसने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला व्हेन बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव. अब दो रूट्स अगर पॉजिटिव है या दोनों ही रूट पॉजिटिव है तो ये भी पॉसिबल है कि दोनों पॉजिटिव भी हो जाए और दोनों इक्वल भी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल दोनों रूट का वैल्यू हो गया 2. इज इट पॉसिबल? यस और नो? सर कैन आई रिपीट? आई कैन, आई विल रिपीट दिस पार्ट. मैंने ये बोला कि आपको जस्ट ये वेरीफाई करना है कि जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो दो रूट्स हैं, लाइक आपको यहाँ पे बोला है कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा बीटा दोनों सेम हो जाए? फॉर एग्जाम्पल अल्फा भी 2 एंड बीटा भी 2, दोनों पॉजिटिव भी है. तो डेफिनेटली यहाँ पे देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके दोनों रूट सेम हो जाए. और जब दोनों रूट सेम होते हैं तो डेल्टा क्या होता है? इक्वल टू जीरो. बट ये कंफर्म है कि डेल्टा में आपके पास ग्रेटर देन जीरो का साइन रहेगा एज रूट्स आर ऑलवेज रियल इन दिस केस, क्योंकि आपके पास जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां पे लोकेशन ऑफ रूट है, हमको रूट को ही लोकेट करना है, तो हम सिर्फ रियल रूट्स को ही लोकेट कर सकते हैं. नाउ दीज आर दी 3 कंडीशन जो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई होगी. अब क्योंकि ये फर्स्ट केस है तो मैं इसको प्रॉपरली एकदम स्लो वे में और इसको एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जाम्पल, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि इसके क्वेश्चन कैसे दिखते हैं और इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है. अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका आपको एग्जाम्पल या क्वेश्चन कैसा दिखेगा. सो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए for which the equation x square minus 2 times of a minus 1 times of x plus 2a plus 1 equal to 0 has both root positive, has both root positive. अब देखो क्वेश्चन को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करो और समझने का ट्राई करो कि आपके पास यहाँ पे क्या बोला गया है. उसने सिंपल से बोला है कि आपको एक a का लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है. इस चीज पे सबसे लास्ट में आएंगे सॉल्यूशन निकालने के बाद, जिसमें उसने बोला है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट क्या होने चाहिए? पॉजिटिव. आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट खाली इतना है कि दिस इक्वेशन हैज बोथ रूट पॉजिटिव. क्या इतने स्टेटमेंट को पढ़ के यू कैन आइडेंटिफाई कि ये अपने पास लोकेशन ऑफ रूट का फर्स्ट केस का क्वेश्चन हुआ? हाँ. Yes. अब आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जाना है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अगर केस आइडेंटिफाई कर लिया तो सबसे पहले उस केस की तीनों कंडीशन लिख दो, जितने भी कंडीशन होंगे वो लिख दो. सो फर्स्ट कंडीशन था यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. सेकेंड कंडीशन था यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट that is alpha into beta, ये भी greater than zero होना चाहिए. And third condition, delta जो होगा वो greater than equal to zero होना चाहिए. ठीक है, अब मुझे बताओ as per the equation, जो मुझे equation दी है, इस equation का sum of roots क्या होगा? बोलो. sum of roots कैसे निकालते थे बेटा equation का? minus b by a. तो इस इक्वेशन में माइनस बी बाई ए का मतलब क्या होगा बताओ? 2a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन
यस, तो ये आ जाएगा अपना फर्स्ट केस. इस फर्स्ट केस को सिंपलीफाई कर लेते हैं. कैन आई से ये केस डायरेक्टली मुझे ऐसा मिलेगा a माइनस वन ग्रेटर देन जीरो और a ग्रेटर देन वन. कंफर्म करो सबको समझा मैंने क्या किया. यस सर. ओके, सो यहां से मेरे पास फर्स्ट केस का आंसर आ गया कि जो a है वो वन से लेके इन्फिनिटी तक बिलोंग करता है, ऑब्वियसली विद अ ओपन ब्रैकेट. मुझे बताओ इस पार्ट में किसी को भी कुछ डाउट? नहीं सर. ओके, नाउ इसी तरीके से मुझे बताओ इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? 2a plus 1 upon c by a, that is 2a plus 1. तो 2a plus 1 greater than 0, इसको भी सिंपलीफाई करते हैं तो ये बनेगा 2a greater than minus 1. Yes, 2a or you can say a is greater than minus half. तो यहाँ पे आंसर मिलेगा a जो होगा वो minus half से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा. मुझे बताओ सेकेंड कंडीशन में किसी को प्रॉब्लम कुछ? नो सर. नो सर. नाउ मूविंग टू थर्ड कंडीशन. प्लीज बताओ ना सेकेंड कंडीशन एक बार. बेटा सेकेंड कंडीशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट था. प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c by a. तो c है अपने पास 2a plus 1 और a तो 1 है बेसिकली. तो 2a plus 1 greater than 0, 1 को शिफ्ट किया तो minus 1 हो गया और डिवाइड बाय 2 कर दिया. तो a is greater than equal to minus 1 by 2, मतलब a जो है वो minus 1 by 2 से बड़ा होना चाहिए अप टू इन्फिनिटी. ठीक है अभी? थैंक यू सर, समझ गया. ओके बेटा. हाँ, नेक्स्ट इज डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. जब हम डेल्टा की बात करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. बी स्क्वायर का मतलब मैं लिखूंगा माइनस 2 और यू कैन से 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 का स्क्वायर. जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन. सबको समझा मैंने क्या लिखा बी स्क्वायर की जगह पे? यस सर. ओके, नेक्स्ट इज 4ac. तो a तो 1 हो गया और c इज 2a plus 1. तो ये बनेगा आपके पास फाइनल वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2a plus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये बनेगा a माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2a plus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं ओपन करके. When I say a minus 1 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस ऑफ 2a माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो 2a से 2a कैंसिल. फाइनली ये कुछ ऐसा आएगा, सॉरी नॉट 2a से 2a कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल होगा इसमें क्योंकि 2a तो दोनों सेम साइन के साथ है. यस हाँ, सो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी a स्क्वायर माइनस 4a greater than equal to 0. इसको मैं simplify कर सकता हूँ and I can write this part as a into a minus 4 greater than equal to 0. Now, यहाँ पे अगर मुझे इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इनइक्वेशन के लिए इस केस में यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट लूंगा दैट इज 0 एंड 4. देन आई ऑब्जर्व दिस साइन. तो सब कुछ कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस एंड प्लस. वेवी कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा. अब मुझे बताओ इस केस का फाइनल आंसर क्या रहेगा? a belongs to sir sir minus infinity to 0 square minus infinity to 0 or 4 to infinity. yes, 4 to infinity. ये होगा अपना थर्ड केस का आंसर. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि तीनों कंडीशन के आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम? नो सर. चलो अब आते हैं फाइनल आंसर पे. सो अब क्या है ना कि हमने एक चीज देखी थी कि जो क्वेश्चन हमको दिया या जो केस हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए तीनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है. मतलब मुझे इन तीनों वैल्यूज को साइमल्टेनियसली ट्रू करना है. तो क्या मैं बोलूं कि मुझे इन तीनों का इंटरसेक्शन देखना है, तीनों में कॉमन वैल्यूज देखने हैं? यस सर. ठीक है, अब इंटरसेक्शन कैसे देखते हैं वो सीख लो. इसका एक सिंपल टेक्निक होता है. सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओ. तो मैंने एक नंबर लाइन प्लॉट किया दैट इज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी. अब इन तीनों कंडीशन को वन बाय वन करके नंबर लाइन पे प्लॉट करो. फर्स्ट कंडीशन आया था वन से लेके इन्फिनिटी. सो लेट्स से फर्स्ट कंडीशन मैंने वन यहाँ पे अज्यूम किया. वन से लेके इन्फिनिटी हमने इंटरवल में पढ़ा था, वन इंक्लूडेड नहीं है तो मैं इसको सॉलिड नहीं हॉलो से दिखाऊंगा. वन टू इन्फिनिटी. सबको समझा मैंने ये वन टू इन्फिनिटी का नंबर लाइन कैसे प्लॉट किया? यस सर. ओके, नेक्स्ट आते हैं माइनस हाफ टू इन्फिनिटी. माइनस हाफ टू इन्फिनिटी, तो माइनस हाफ वन के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? लेफ्ट साइड.
लेफ्ट साइड में होगा बिकॉज डेफिनेटली माइनस वन इज स्मॉलर देन बेसिकली सॉरी माइनस हाफ इज स्मॉलर देन वन. तो यहाँ पे आपके पास लेटर से कहीं तो माइनस हाफ आ गया. यहाँ भी सेम था, माइनस हाफ इंक्लूडेड नहीं था तो मैंने इसको भी यू कैन से हॉलो डॉट से मार्क कर दिया एंड इसको ऐसा बनाया माइनस हाफ से इंफिनिटी. नेक्स्ट एंड थर्ड पार्ट विच इज माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड फोर टू इंफिनिटी. अब इसके लिए मुझे जीरो और फोर प्लॉट करना है. मुझे बताओ जीरो कहाँ पे प्लॉट करूंगा? सर दोनों के सेंटर में. यस, दोनों के बीच में यहाँ पे जीरो आ जाएगा. व्हाट अबाउट फोर? राइट साइड ऑफ दी वन. राइट साइड ऑफ दी वन. अब यहाँ पे आपको आंसर दिखेगा माइनस इंफिनिटी से जीरो. सो बेसिकली माइनस इंफिनिटी से जीरो वेयर जीरो इज इंक्लूडेड. अगर इंक्लूडेड तो इसको सॉलिड कर दूंगा बेसिकली. तो ये हो गया माइनस इंफिनिटी से जीरो. और नेक्स्ट था अपने पास इंक्लूडिंग फोर अप टू इंफिनिटी. ये हो जाएगा अपना तीसरा पार्ट. अब मुझे बताओ सबको ये तीनों नंबर लाइन क्लियरली ऑब्जर्वेबल है कि कैसे हमने प्लॉट किया? यस सर. हाँ, अब मुझे बताओ कि हमको देखना था तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब तीनों का कॉमन पार्ट. आप मुझे बताओ कि कौन सा रीजन आपको दिख रहा है जहाँ पे तीनों कलर्स साथ में दिख रहे हैं? यस, तीनों कलर्स आपको साथ में दिख रहे हैं. यस, फ्रॉम फोर टू इंफिनिटी. मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ आपके ऑब्जर्वेशन के लिए. जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ ऐसा दिखेगा. फोर से अगर आप स्टार्ट करते हो सो बेसिकली फोर से लेके इन्फिनिटी तक का जो रीजन है दिस इज दी ओनली रीजन ऑन दिस नंबर लाइन जहाँ पे आपको तीनों लाइन साथ में दिख रहे हैं. क्या इसके अलावा और कोई रीजन है? No, sir. No. तो अब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा बता सकते हो एग्जैक्टली? x belongs to? Yes, sir. Square bracket 4 and round bracket infinity. x belongs to square bracket 4 and round bracket infinity. Sorry, अभी ये x नहीं होगा, ये क्या होगा? हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे? A belongs to. A. तो A belongs to आ जाएगा. अब ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है. क्यों? एक बार देखो क्वेश्चन में अपने से क्या बोला गया था. इंटीग्रल वैल्यू होता पॉजिटिव वैल्यू. नहीं, उसने बोला था लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू. ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू? कम इंटीग्रल वैल्यू. ओके, तो वेरी वेरी गुड. इसका जो आंसर आएगा दैट शुड बी 4, क्योंकि अपने को जो आंसर मिला है उसने क्या बोला कि 4 या 4 से बड़ा कोई भी वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है. और क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये बताओ कि लीस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सा होगा. तो लीस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा? 4. Because 4 या 4 से बड़ा कोई भी आंसर हो सकता है. तो आपके पास A का जो लिस्ट वैल्यू होगा दैट शुड बी 4 एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. अभी मुझे बताओ पूरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया, सबको समझा? यस सर. एक कॉमन डाउट है. बोलो सर. अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहता 4 पे तो वो 5 अचीव करते. स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, ओपन ब्रैकेट में होता तो. हाँ सॉरी, ओपन ब्रैकेट में रहता. ओपन में होता तो इसको हम 5 बोलते हैं. यस बिल्कुल करेक्ट है. ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे बेसिकली जहाँ पे आपको ऐसे ओपन ब्रैकेट मिलेगा तो फिर आप इंटीजर की बात करोगे तो 4 तो इंक्लूड नहीं होगा. तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा 5 अगर लीस्ट इंटीजर की बात करोगे तो. ओके सर. सर अगर यही क्वेश्चन में अगर हाईएस्ट किया रहता तो इंफिनिटी. यस, अगर मैक्सिमम बोलेगा तो इंफिनिटी. पर जनरली क्या होता है ना कि आपने देखा होगा क्वेश्चन के आंसर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होते नहीं है. इसलिए क्वेश्चन क्या होता है ना कि हाँ, इसलिए क्वेश्चन में वो एक वैल्यू पूछ लेता है कि लीस्ट बता दो जो डिफाइन है या फिर ग्रेटेस्ट बता दो जो डिफाइन है बेसिकली. ओके, ठीक है, सबको क्लियर? यस सर. ओके चल, दिस वाज केस 1 जहां पे दोनों रूट पॉजिटिव थे. तो हमने केस 1 को पूरा सिंपलीफाई किया एंड उसको सॉल्व करने का ट्राई किया. अब इसी तरीके से मैं केस 2 लिखूंगा. केस 2 को आप थोड़ा सा आप मुझे हेल्प करना, केस का कंडीशन हम कैसे लिख सकते हैं और क्या इसका लॉजिक रहेगा. केस 2 सेज व्हेन बोथ the roots when both the roots are negative when both the roots are negative. केस 1 ने बोला था कि रूट्स पॉजिटिव है. केस 2 बोल रहा है दोनों रूट नेगेटिव है. लेट अस से ax square plus bx plus c equal to 0. ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है. अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है. So, अब मुझे बताओ यहाँ पे कंडीशन क्या होगी. बिकॉज देखो इस पूरे पार्ट में आपने समझ लिया होगा कि कंडीशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. तो अगर दोनों रूट नेगेटिव है. यस सर. अल्फा प्लस बीटा इज स्मॉलर देन 0. वेरी गुड. फर्स्ट कंडीशन, इसके दोनों नंबर नेगेटिव है तो सम भी नेगेटिव होगा. तो अल्फा प्लस बीटा शुड बी स्मॉलर देन 0. व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन? सर अल्फा इनटू बीटा विल बी ग्रेटर देन 0.
वेरी गुड, क्योंकि दो नंबर नेगेटिव है तो सम तो नेगेटिव होगा, बट जब प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन जीरो. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वैल्यू और नेक्स्ट कंडीशन डेल्टा? सर लेसर देन? नो, इट विल नॉट बी लेसर देन, मैंने बताया था सर नंबर के ऊपर डिपेंड है सर. ग्रेटर टू सर, डेल्टा हर एक कंडीशन में ग्रेटर ही रहेगा. हाँ, डेल्टा एक चीज तो कंफर्म है कि डेल्टा हर कंडीशन में ग्रेटर देन जीरो तो होगा. यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि वो इक्वल टू जीरो आ सकता है कि नहीं. अब इसका एक सिंपल सा रीजन समझो. देखो, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो जो है ना, ये तो हर क्वेश्चन की कंडीशन होना ही चाहिए, बिकॉज हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ना वो लोकेशन ऑफ रूट है, तो रूट आएगा तभी तो डिफाइन कर पाएंगे. तो एक चीज तो ये हो गई. दूसरा ये है कि आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो मुझे केस या जो मुझे कंडीशन दी है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए क्या ऐसे रूट पॉसिबल है जो दोनों इक्वल हो जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोला गया है बोथ दी रूट्स आर नेगेटिव. यस, बोथ दी रूट्स आर नेगेटिव, तो आई नो कि देर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अल्फा भी माइनस टू हो गया और बीटा भी माइनस टू हो गया. सो ये अपनी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में रूट्स इक्वल भी है. और अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो उसकी वजह से इक्वल टू आता है, इक्वल नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन. तो बेसिकली दोनों केसेस को हम साइमल्टेनियसली सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी आप अगर लोकेशन ऑफ रूट का केस सॉल्व करोगे तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो तो होना ही चाहिए, वो तो नेसेसरी कंडीशन है. सिर्फ इक्वल टू डिपेंड करता है उस केस के ऊपर कि उस केस में दोनों रूट इक्वल हो सकते हैं कि नहीं, वो डिपेंड करेगा उस क्वेश्चन में गिवन कंडीशन पे. जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कि एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है. अब मुझे बताओ, क्या दोनों रूट इक्वल हो सकते हैं? नो सर, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है शायद. Yes, तो दोनों रूट इक्वल नहीं होंगे. इसका मतलब सिंपल सा है कि उस केस में डेल्टा में इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो चलेगा. तो इस तरीके से आपको सोचना है कि अगर आपके केस में, अगर आपकी गिवन कंडीशन में दोनों रूट इक्वल हो सकते हैं तो आप डेल्टा में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा दोगे. पर अगर वो सिर्फ आपके पास, यू कैन से, इक्वल नहीं हो सकते और सिर्फ गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उस केस में क्या आ जाएगा? डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो. दैट विल बी द ओनली कंडीशन. एंड डोंट वरी, जैसे जैसे हम केस को समझेंगे तो आपको वो चीजें क्लियर होती जाएंगी वन बाय वन. हाँ, नाउ अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से इसको भी एक बार आप लोग ट्राई करो. जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उससे सिमिलर है, थोड़ा सा वैल्यू वाइज कॉम्प्लिकेट हो सकता है. सो ट्राई टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट. इट सेज फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के for which, find the set of values of k for which the equation, for which the equation x square minus of 2k minus 1 times of x plus 2k plus 1 equal to 0 has both negative roots. एक equation दिए है और आपसे बोला है कि k का value बताओ जिसके लिए इस equation के दोनों root negative हो. क्या इसको आप case 2 से directly relate कर सकते हो? Is this example or is this question belongs to case 2 directly? ट्राई करोगे एक बार? ओके, चलो आप लोग ट्राई करो. इसमें जो थर्ड कंडीशन है यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बाकी फर्स्ट सेकंड पे इजीली हो जाएगा. एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर इसको डिस्कस करते हैं. सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन दिखाओ ना. यस सर.
सर अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू डायरेक्टली 1 लिख सकते. अच्छा एक मिनट एक मिनट और सर. सर इसका डेल्टा रूट में है क्या? हाँ सर वही डेल्टा नहीं आ रहा है. यस बेटा इसमें दी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज डेल्टा ओनली. एक बार मैं सिखाता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है फिर आप इसको यूज कर लेना एक बार सीख. सर एक मिनट प्लीज. चलेगा नो इश्यूज सर. वो डेल्टा वाला ठीक है मैं सिखाता हूँ डेल्टा का. जस्ट वेट फॉर अ मिनट फिर मैं डेल्टा वाला प्रोसेस सिखाता हूँ. कि जैसे कभी भी आपके पास क्या होता है ना कि कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे डेल्टा में आपको परफेक्ट नंबर या रूट ना मिलके कुछ अजीब से अंडर रूट के फॉर्म मिलते हैं या फिर कभी सिंप्लीफाई होता ही नहीं है तो उन केसेस में सॉल्व कैसे करना है बताता हूँ.
ओके चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एक बार समझ लो कि इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है और उसका अप्रोच क्या होता है, बिकॉज ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं. देखो यहाँ भी सेम कंडीशन, बोथ नेगेटिव रूट्स. तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो कंडीशन लिख दो. फर्स्ट कंडीशन अपना आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा. फर्स्ट कंडीशन अपने पास रहेगा विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा. सो इसको मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा विल बी लेस देन जीरो, एज बोथ दी नंबर्स आर नेगेटिव तो सम भी नेगेटिव होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन विल बी अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों नेगेटिव है तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव. एंड थर्ड नंबर विल बी डेल्टा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. अब मुझे तीनों कंडीशन को सिंप्लीफाई करना है और उसका आंसर निकालना है. सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो को सॉल्व करता हूँ. अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो को सॉल्व करूँ तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या आएगा बोलो? 2k-1. Very good. It should be 2k-1 less than 0. When I simplify this part, तो ये बनेगा 2k is less than 1 or I should say k is less than 1/2. ये बनेगा अपना first part, k is less than 1/2. जब मैं इसको simplify करता हूँ तो ये अपने को दिखेगा k belongs to minus infinity to 1/2. ये होगा अपना k का value. Similarly, second case पे आते हैं, product of root alpha into beta. जब मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करता हूँ तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट है. प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू होता है सी बाई ए. सो ये हो जाएगा 2k+1 शुड बी ग्रेटर देन 0. व्हेन आई सिंप्लीफाई दिस पार्ट तो ये क्या हो जाएगा 2k इज ग्रेटर देन माइनस 1. व्हेन आई से 2k इज ग्रेटर देन माइनस 1 इसका मतलब हो गया k इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 1/2. सो यहाँ से अपने को एक केस और मिलेगा कि जो k है वो अपने पास कहीं ना कहीं माइनस 1/2 से बड़ा, मतलब इट बिलोंग्स टू -1/2 टू इंफिनिटी, इस तरीके से लाई करता है. ये दो केस आई थिंक आप सब लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे. हाँ सर. ओके नाउ कमिंग टू द मोस्ट टिपिकल पार्ट जहां पे मिस्टेक भी होगा और कैलकुलेशन आपको केयरफुली करना पड़ेगा. डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसका डेल्टा पहले फाइंड आउट करते हैं. तो इसका डेल्टा आएगा अपने पास 2k-1 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2k+1 is greater than or equal to 0. Next, आप क्या करोगे, आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करोगे. जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा 4k² - 4k+1 - 8k - 4 > 0. सो ये बन जाएगा 4k² - 12k - 3 > 0. यहाँ तक भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, पर इसके बाद अब अटक गए होंगे. हाँ सर, इधर ही अटक गए थे. अब देखो मैं बताता हूँ इसके बाद सॉल्व कैसे करना है ये समझना. जब नॉर्मल कोई इक्वेशन आता है, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन पे जाऊंगा पहले आपको थोड़ा समझाने के लिए, और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है. जब नॉर्मल कोई इक्वेशन आता है तो आप क्या करते हो, उसको फैक्टराइज कर लेते हो और फैक्टराइज करके नंबर लाइन पे प्लॉट करके सोल्यूशन निकालते हो. इसी पे सॉल्व करने का एक तरीका और है, वो भी समझ लो. आप क्या करोगे ना कि आप इस इक्वेशन को या जो इन इक्वेशन है इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करो. ठीक है, आप भूल जाओ कि ये इन इक्वेशन है, इसको इक्वेशन बना दो. जब मैं इस चीज को इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं बोलूं कि जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट है वो मेरे रूट बन जाएंगे. जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मेरे रूट बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस केस में बोलूं a² - 4a = 0, बेसिकली मैंने इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया. जब मैं a² - 4a = 0 बोलता हूं तो इसको आप लिखोगे a (a-4) = 0. और अगर a (a-4) 0 है, इसका मतलब a के वैल्यू क्या क्या होगा बताओ सर? 1 और 4. नहीं, 1 और 4 नहीं बेटा, 0 और 4. 0 और 4, सॉरी. यस, 0 और 4. सो मैं वही आपको बोल रहा था कि जब आप इस इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो जो आपके क्रिटिकल पॉइंट आए थे 0 और 4, वो एक्चुअली आपके रूट्स बन जाएंगे. ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करने का, कि जब आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं या फिर सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं या फैक्टराइज नहीं हो रहे, तो आप पता है क्या करोगे उस केस में, आप जो आपका इन इक्वेशन है उसको इन इक्वेशन हटा के पहले उसको इक्वेशन बनाओ. ठीक है, मैं वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ. मैं इस इन इक्वेशन को हटा के इसको पहले इक्वेशन में रिड्यूस कर रहा हूँ. सो दिस रिड्यूसेस टू 4k² - 12k - 3 = 0. अब मुझे बताओ, मुझे इसके रूट निकालने हैं, ऑब्वियसली फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा? फॉर्मूला मेथड. तो फॉर्मूला मेथड यूज करने पे मुझे ऐसे कुछ दिखेगा, k = 12 ± √
बी स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर हो गया 144, माइनस 4 ए सी, 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 3 इज 48, तो 144 प्लस 48 दी होल अपॉन 2 ए दैट इज 8। कैलकुलेशन सब लोग चेक कर लो, करेक्ट है? Yes. Now it will be k is equal to 12 plus minus root 192 upon 8. अब मुझे बताओ root 192 को आप क्या लिख सकते हो? अच्छा 13.8 नहीं, वैल्यू उसकी देखते हैं, 8√3 फ्रैक्शन डायरेक्टली आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। 192 is nothing but 64 into 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 64 का root that is 8 into root 3। So basically इसको मैं further simplify कर रहा हूँ, k इक्वल टू अपने पास हो जाएगा यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे 12 प्लस माइनस ऑफ 8 रूट 3 द होल डिवाइडेड बाय 8। मुझे बताओ न्यूमरेटर में से कॉमन क्या आएगा? 4, तो 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे आपको k का वैल्यू मिलेगा, k शुड बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस ऑफ 2 रूट 3 द होल अपॉन 2। सबको ये समझा मैंने k का वैल्यू कैसे निकाला? हाँ सर, हाँ सर। अब जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था मैं उसको वापस से आता हूं। मुझे पता है कि जो मैंने रूट निकाले हैं एक्चुअली यही रूट क्या है, ये रूट क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं और फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो अगर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ वापस से, तो क्रिटिकल पॉइंट को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ। अब आप बोलोगे सर इतने अजीब से कैसे प्लॉट करें, तो इसका भी एक आपके पास लॉजिक होता है, थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर लोगे। कैसे यूज करते हैं वो समझना। रूट थ्री का वैल्यू कितना होता है आपको पता है? So 1.7. Yes, it is approximately 1.7. So 1.7 into 2, ये 3.4 हो गया? Yes, sir. अब यहाँ पे आप इसको 3.4 यूज करके एक approximately value निकालोगे, जैसे प्लस वाला वैल्यू, प्लस वाला वैल्यू आएगा 3 प्लस 3.4 अपॉन 2। व्हाट इज 3 प्लस 3.4? 6.4 by 2. 6.4 by 2 मतलब कितना हो गया? Approximately 3.2. तो यहाँ पे आपने क्या किया, approximately 3.2 प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट आएगा 3 माइनस ऑफ 3.4, हाउ मच विल बी 3 माइनस 3.4? 0.2 आएगा। यस, पॉजिटिव या नेगेटिव? यस इट विल बी नेगेटिव, तो माइनस 0.2। ये समझे मैंने क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोक्सीमेटली कैसे प्लॉट किया, ठीक है? यस सर। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल पार्ट वंस अगेन। हां, इसको साइन भी दे देते हैं बिकॉज हमको पता है कि नंबर लाइन है, तो साइन स्कीम आएगा प्लस माइनस प्लस। नाउ वापिस से आते हैं अपने कर्व पे। So, इसका मैं वेवी कर्व बना लेता हूँ, इस तरीके से बनेगा। अब भले ही सॉल्व मैंने इक्वेशन से किया, बट क्वेश्चन में तो आपके पास इन इक्वेशन था, और इस इन इक्वेशन में साइन क्या लगा हुआ है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा बोलो? माइनस इनफिनिटी से माइनस 0.2। यस, माइनस इनफिनिटी से माइनस 0.2, 0.2 पे स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन, नेक्स्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट 3.2। 3.2 से इनफिनिटी। तो अब समझे कि ऐसे केसेस में डेल्टा को सॉल्व कैसे करना है? सर मेरे को समझा, पर रूट 3 को आपने 1.7 कैसे लिखा? हाँ सर, वो का वैल्यू होता है, मैं बता देता हूँ। हाँ मैं बता देता हूँ, थोड़े वैल्यू ज्यादा। मेरा एक्चुअली इक्वेशन में मिस्टेक हो गया था, बाकी पूरा सॉल्व हो गया था। चलो कोई नहीं, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आएंगे तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, बिकॉज़ दिस इज वन वैरायटी जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। बेटा रूट के कुछ वैल्यूज को ध्यान रखो, दे आर इंपॉर्टेंट। रूट टू होता है 1.414, रूट थ्री इज 1.732, रूट फाइव इज 2.232। सर आप बता सकते हो क्या मतलब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? डेरिवेशन बता सकता हूँ मैं आपको, बट फिलहाल के लिए उसको वैल्यू याद रखो, मैं फिर आपको रूट निकालना सिखा दूंगा कि रूट अपने को सॉल्व कैसे करना है। यस, बट ये तीन वैल्यूज को बेसिकली याद रखो, बिकॉज ये तीन वैल्यू बहुत जगह डायरेक्टली आपको काम आएंगे। और मुझे बताओ कि आप लोगों को अंडर रूट निकालना नहीं आता? हाउ टू फाइंड अंडर रूट ऑफ एनी नंबर? नहीं सर, सर एक मेथड तो बताया था स्कूल में, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है प्रॉपर्ली पूरा सिंपलीफाई करने का। नहीं वो नहीं, कुछ और। चलो ठीक है, नो इश्यूज, मैं सिखा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए तीन वैल्यू याद रखो, मैं आपको बता दूंगा कि रूट निकालना कैसे है बेसिकली। हाँ, सो अब मुझे ये कंफर्म करो कि अब हमने जो तीन कंडीशंस के आंसर निकाले ये सबको क्लियर है? दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन, एंड जो अभी सॉल्व किया दिस इज थर्ड कंडीशन। अब आंसर जो निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, वापस से वही नंबर लाइन पे प्लॉट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। व्हेन आई प्लॉट द सेम ऑन नंबर लाइन, ओके जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड।
हाँ बेटा, अब इनको प्लॉट करते हैं साइमल्टेनियसली. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, जब मैं फर्स्ट पार्ट को प्लॉट करूंगा तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आया था अपने पास माइनस इंफिनिटी से हाफ. लेट्स से माइनस इंफिनिटी से हाफ जब लिखना है तो मैं यहाँ पे हाफ को लेता हूँ. माइनस इंफिनिटी से हाफ मतलब दिस मच वैल्यू, यहाँ पे आपके पास हाफ पे जो ब्रैकेट रहेगा दैट विल बी ओपन. ये सबको समझा मैंने कैसे प्लॉट किया फर्स्ट पार्ट? यस सर. ओके, मूविंग टू सेकंड वन. सेकंड पार्ट में अपने पास आंसर क्या आया था सेकंड कंडीशन का? दैट वाज माइनस हाफ टू इंफिनिटी. माइनस हाफ टू इंफिनिटी तो ऑब्वियसली माइनस हाफ जो है वो प्लस हाफ के तो पहले आएगा, तो इट इज माइनस हाफ टू इंफिनिटी. यहाँ भी ब्रैकेट ओपन था तो माइनस हाफ टू इंफिनिटी विल बी समथिंग लाइक दिस. ये भी क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. यस. ओके, नेक्स्ट आप लोग बताओ इस कंडीशन को प्लॉट कैसे करेंगे? माइनस पॉइंट टू कहाँ लाई करेगा सर? हाफ के पहले. हाफ के पहले मतलब माइनस हाफ के लेफ्ट साइड. माइनस हाफ के लेफ्ट साइड. आर यू श्योर? हाँ सर. यस सर. सर माइनस पॉइंट टू बड़ा होता है, दैट इज द रीजन के माइनस पॉइंट टू जो होगा ना वो अपने पास राइट साइड रहेगा. तो यहाँ पे आपके पास मैं माइनस पॉइंट टू को मार्क करूंगा. ठीक है, दिस विल बी माइनस ऑफ पॉइंट टू. ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. हाँ बेटा, सो यहाँ तो हो गया माइनस पॉइंट टू. नेक्स्ट मुझे बताओ 3.2 कहाँ प्लॉट करेंगे? सर हाफ के बाद. 1. हाफ के बाद. हाफ के राइट साइड. यहाँ पे हो गया 3.2. नाउ माइनस इनफिनिटी से माइनस ऑफ पॉइंट टू मतलब ऐसा कुछ होगा विथ अ सॉलिड डॉट. नेक्स्ट इज 3.2 से लेके तो इन्फिनिटी, तो ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा अपने पास. ठीक है, अब इन सभी पार्ट को ऑब्जर्व करो एंड बताओ कॉमन रीजन कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है. सर माइनस हाफ से माइनस 0.2. यस, द कॉमन रीजन इज ओनली दिस मच पार्ट. माइनस हाफ से लेके तो आपके पास माइनस ऑफ 0.2. इसके लेफ्ट में और इसके राइट में कहीं भी कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ दिस इज द ओनली पार्ट जहां पे आपको तीनों लाइन साथ में दिख रही हैं. तो अब जो आप आंसर लिखोगे वो आंसर क्या होगा मुझे बताओ ब्रैकेट के फॉर्म में? सर स्क्वायर ब्रैकेट माइनस हाफ कॉमा 0.2 माइनस 0.2. इट शुड बी माइनस राउंड ब्रैकेट रहेगा माइनस हाफ पे. उसका रीजन है माइनस हाफ एक्चुअली इन दोनों में तो इंक्लूडेड है पर इसमें इंक्लूडेड नहीं है ना बेटा, तो माइनस हाफ तीनों में नहीं आ रहा है इसलिए माइनस हाफ को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए ओपन ब्रैकेट. और पॉइंट जो है ऊपर था ना बेटा, देखो ऊपर अपने पास जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था इसमें आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 4 जो था वो इसमें भी इंक्लूडेड था, इसमें भी था और इसमें हाँ, भी. यस सर, यस सर. ये कंडीशन अपना पॉइंट 2 में यूज होगा बेटा. इट्स ओके, इट्स ओके. यहाँ पे माइनस पॉइंट 2 जो है ना उसमें ये कंडीशन यूज होगा. माइनस पॉइंट 2 यहाँ भी इंक्लूडेड है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो जो माइनस पॉइंट 2 आप लिखोगे इसमें ब्रैकेट स्क्वायर आएगा. अभी समझे सर? लास्ट में आपने क्या बोला सर? गॉट इट. मैं रिपीट करता हूँ, आपने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉमन रीजन यहाँ से यहाँ तक है तो अब आते हैं ब्रैकेट्स पे. माइनस हाफ जो है ना, माइनस हाफ ब्लैक लाइन पे लाई करता है, ग्रीन लाइन पे भी लाई करता है, बट यहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं है
और मुझे वो पार्ट चाहिए जो सब पे लाई करता हो, तो माइनस हाफ पे ब्रैकेट मैंने क्या लगा दिया, ओपन, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि यहाँ पे एक हॉलो डॉट था बेसिकली, तो माइनस हाफ इंक्लूडेड नहीं था. नेक्स्ट इज माइनस पॉइंट टू, माइनस पॉइंट टू तीनों पे लाई करता है, तो इसलिए माइनस पॉइंट टू पे क्या लगाया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट. अभी समझे? अच्छा हाँ सर, समझ गया सर. ये तो हम लोग पहले के कंडीशंस को देख के कमेंट कर सकते. यस यस, आपको नहीं उसको देख के ही, मतलब आप नंबर लाइन को देख के कमेंट कर पाओगे ना बेटा, मतलब ओरली भी कर सकते हो, बट थोड़ा टाइम लगेगा उतना वहां तक पहुंचने के लिए, बट कर सकते हो. हाँ, अभी ये जो है ना, दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर नहीं है. उसका रीजन है कि माइनस पॉइंट टू तो अपना अप्रोक्सीमेट वैल्यू था, याद है आपको? हाँ सर. अब मुझे आंसर में एक्चुअल वैल्यू लिखना है. माइनस हाफ आपका एग्जैक्ट वैल्यू था, माइनस पॉइंट टू हमने कहाँ से डिराइव किया था, माइनस पॉइंट टू हमने यहाँ से लिया था, विच इज थ्री माइनस ऑफ टू रूट थ्री अपॉन टू. तो अब मैं जो एक्चुअल आंसर आएगा वहां पर उस वैल्यू को लिखूंगा, इट इज थ्री माइनस ऑफ टू रूट थ्री दी होल अपॉन टू विद अ स्क्वायर ब्रैकेट, एंड दिस विल बी माय फाइनल आंसर. अब समझे कि जब कोई अजीब सा नंबर आएगा डेल्टा में तो उसको सॉल्व कैसे करना है और कैसे सिंप्लीफाई करना है जो फैक्टराइज नहीं होगा. yes. हाँ, सो अगेन इस केस में क्या हुआ ना कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, सिर्फ एक कुछ नया आपने सीखा कि जब आपका फैक्टर्स डायरेक्टली नहीं मिलेंगे तो आप क्या करोगे, उस इन इक्वेशन को इक्वेशन बना दोगे, उसके रूट निकाल दोगे, और इवेंचुअली वही रूट क्या बन जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा. बाकी सब प्रोसेस एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ पे डाउट है, एनीवन? नो डाउट सर. ओके, मजा आया. इस टाइप का एक थर्ड केस करता हूँ, थर्ड केस में भी कंडीशन सेम बनेगा, वहां भी सॉल्व करने में अच्छा लगेगा. सो थर्ड केस बताना मुझे अभी. सर ए बिलोंग, हाँ सॉरी वापस से बोल. अरे हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू सो मच बेटा. जो भी आंसर हम लिखते हैं एक्चुअली वो अपने को आदत होती है ना कि हम एक्स लिख देते हैं हर जगह, बट यहाँ पे एक्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली के सॉल्व कर रहे हैं. तो ये जो भी आंसर आएगा ये के बिलोंग्स टू आएगा, और यहाँ पे अपने से कहीं नहीं पूछा गया था कि मिनिमम वैल्यू बताओ या बताओ, अपने को सिर्फ बोला था कि के कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा वो बता दो. तो यही अपना आंसर रहेगा, के बिलोंग्स टू माइनस हाफ से लेके थ्री माइनस ऑफ टू रूट थ्री होल अपॉन टू. चलो हाँ बेटा, कितने टाइम सॉल्व करने के क्वेश्चन? नहीं बेटा, नॉर्मली क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन टाइम लेता है. अगर ये क्वेश्चन में आपके पास डायरेक्ट फैक्टर्स है तो ये दो से तीन मिनट में सॉल्व हो जाएगा, बट जैसे अभी इस क्वेश्चन में हुआ कि थोड़े ट्विस्टेड फैक्टर्स थे तो ये क्वेश्चन अराउंड फोर मिनट्स ले लेता है. तो इसलिए क्या होता है ना कि जो ट्विस्टेड वाले केस है वो जनरली एडवांस में आते हैं, जो डायरेक्ट वाले केस है सिंप्लीफाइड वो मेंस में आ जाएंगे आपके पास. ओके सर. ओके बेटा, चलो केस थ्री को चेक करना. अब मुझे आप कंडीशन बताना, बिकॉज इंपॉर्टेंट पार्ट कंडीशन ही है. अगर कंडीशन समझ पाओगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है. केस थ्री से इज वन पॉजिटिव रूट एंड वन नेगेटिव रूट. अब जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, ठीक है? सो लेट्स से मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसका रूट है अपने पास अल्फा एंड बीटा. अब मुझे सोच के बताना कि अपने पास इसका कंडीशन क्या होगा. अगर एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है तो सम ऑफ रूट्स पे क्या बोलोगे? यस, एक्चुअली यहाँ पे सम ऑफ रूट्स पे हम डायरेक्टली कुछ कमेंट नहीं कर सकते. यहाँ पे आपका जो सम ऑफ रूट्स है वो आप स्किप करना पड़ेगा, बिकॉज क्या है ना कि सम ऑफ रूट्स डिपेंड करेगा वैल्यू के ऊपर कि कौन बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है या नेगेटिव वैल्यू बड़ा है. तो सम ऑफ रूट कुछ फिक्स नहीं होगा, सम ऑफ रूट पॉजिटिव भी आ सकता है, सम ऑफ रूट नेगेटिव भी आ सकता है. इसलिए इस थर्ड केस में सम ऑफ रूट्स पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे. बट यस, प्रोडक्ट ऑफ रूट पे हम कमेंट कर सकते हैं. सोच के बताओ, स्मॉलर हो जाएगा ना? यस, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज स्मॉलर देन जीरो. वेरी गुड. नाउ व्हाट अबाउट डेल्टा? सर सेम कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. थोड़ा सोचो, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा बेटा, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू जीरो कब होता था? सिर्फ डेल्टा जीरो आएगा. एंड इस केस का यही खास बात है कि इसमें सिर्फ ये दो ही कंडीशन है, आपको इन दो कंडीशन को सॉल्व करना है. द रीजन बीइंग कि हम सम ऑफ रूट्स पे कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते. सबको समझा केस थ्री में दो कंडीशन क्यों बनी? यस सर. चलो अब इसका क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा अगेन कैलकुलेशन टिपिकल रहेगा, बट अब मैंने आपको अप्रोच बता दिया है तो सॉल्व करने का ट्राई करना. इट सेज फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज, फाइंड द
set of values of k for which find the set of values of k for which the equation x square plus 2k plus 1 times of x plus 9k minus 5 equal to 0 has roots of opposite sign. इनडायरेक्टली क्वेश्चन में उसने वही केस दे दिया है, सिर्फ लैंग्वेज अलग बोली है, ये नहीं बोला कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उसने बोल दिया रूट्स का साइन अपोजिट है. सो दिस केस या दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू केस 3. ट्राई करोगे? हाँ सर. चलो ट्राई करो सब लोग. सर इसमें सी 9k माइनस 5 है ना? यस बेटा, सी इज 9k माइनस 5.
Okay, anybody got the answer? Anyone? Sir, minus infinity say 2.9. Minus infinity say 2.9. Just give me a minute, I'll just cross check. Sir, minus infinity say 1.9. Okay. Minus infinity say 1.9. Sorry, 1.9. Yes, yes, yes. Yes, now it's correct. Minus infinity say 1.9 is approximately correct. Okay. Sir, सर वो लाइन में सर सिलेक्ट करने को प्रॉब्लम आ रहा है सर वो स्टेप्स तो हो जा रहे बट सिलेक्ट नहीं हो रहा है मतलब कौन सा वाला कॉमन रीजन बोल रहे हो हां सर वही इधर ही थोड़ा डाउट आ रहा है चलो मैं हार्ड पढ़ रहा था सर ओके मैं थोड़ा सा जो ऊपर अपन ने क्वेश्चन किए पहले उनको समझा देता हूं वो नंबर लाइन वाला पार्ट ताकि आपको देखना इजी रहे देखो इस पार्ट में कैसा है वो आंसर राइट है ना हां बेटा वो आंसर राइट है माइनस इनफिनिटी से 1.95 अप्रोक्सीमेटली 1.9 या 1.8 ऐसे कुछ रहेगा अप्रोक्सीमेटली हां चलेगा एक बार चेक कर लेते हैं सो पहले मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं जहां पे नंबर लाइन पे कॉमन रीजन कैसे दिखते हैं देखो कॉमन रीजन का मतलब सिंपल सा है कि जितने भी आपने केस प्लॉट किए ना यू नीड टू ऑब्जर्व द रीजन जहां पे सभी लाइंस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेगी अब इसको ऑब्जर्व करने का सबसे बेस्ट टेक्निक होता है कि स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड यहां पे ऑब्जर्व करो जब यहाँ पे आओगे तो ग्रीन और ब्लैक दिख रहा है ब्लू नहीं है फिर आगे आए और आगे मूव करे और आगे मूव करे जब यहाँ पहुंचोगे तो आपको दिखेगा कि तीनों चीजें तीनों लाइन साइमल्टेनियसली क्लैश कर रही है तो यहाँ से आपका काम का रीजन स्टार्ट हुआ यहाँ भी तीनों है यहाँ भी तीनों है यहाँ तक भी आपके पास तीनों लाइन साथ में वर्क कर रही है जैसे ही हल्का सा आगे गए तो अब ग्रीन लाइन कंप्लीट हो गई और यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो ही लाइन्स है तो ये आपके काम का रीजन नहीं है जैसे आप आगे मूव करोगे तो आपको तीनों लाइंस कभी साथ में नहीं दिखेंगे तो दिस इज द वे जहां पे हम उसको कॉमन रीजन को क्रैक करते हैं इसका भी हां सर और वो क्लोज्ड ब्रैकेट का भी बता दो ना बिल्कुल क्लोज्ड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट में कंडीशन बहुत सिंपल सी होती है आपको देखना है हमेशा ब्रैकेट कहां पे आते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज पे तो एक्सट्रीम वैल्यू को चेक करो ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम ठीक है इधर का जो एक्सट्रीम है दैट इज माइनस ऑफ 1/2 माइनस 1/2 जो है वो ब्लैक में तो इंक्लूडेड है बिकॉज यहाँ पे कहीं भी कोई हॉलो डॉट नहीं दिख रहा है मुझे ग्रीन में भी इंक्लूडेड है बट ब्लू में इंक्लूडेड नहीं था बिकॉज इट हैज अ हॉलो डॉट तो माइनस 1/2 आपके पास दो लाइंस पे है और एक में नहीं है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा बिकॉज हम वो रीजन देख रहे हैं जहाँ पे सब कुछ आता हो जहाँ पे तीनों के लिए कॉमन हो बेसिकली तो माइनस 1/2 को ब्रैकेट शुड बी ओपन इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन लिखा नाउ कमिंग टू पॉइंट टू यहाँ पे भी काउंटेड है यहाँ पे भी है और इसमें जो डॉट है दैट इज सॉलिड डॉट इंडिकेट्स कि ये आपके पास इंक्लूडेड है तो जो पॉइंट या यू कैन से माइनस 0.2 है ये तीनों में इंक्लूडेड था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट अभी ठीक है हाँ सर हाँ अब इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते तो हो जाएगा बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में इसको करने वाले सो धीरे धीरे और इम्प्रूव हो जाएगा चलो स्टार्टिंग विद दिस कंडीशन यहाँ पे अपने को बोला गया था कि इट हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन तो आप क्या करोगे दो कंडीशन लिख दोगे जो दो कंडीशन है अपने पास अपोजिट साइन की पहला अल्फा इंटू बीटा शुड बी लेस देन जीरो एंड सेकेंड इज डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन जीरो दोनों कंडीशन को सॉल्व करते हैं एंड लेट्स सी क्या कंडीशन आएगा सो अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो इस क्वेश्चन का या इस इक्वेशन का अल्फा इंटू बीटा होगा 9k-5 शुड बी लेस देन जीरो दैट इंडिकेट्स के जो k होगा दैट शुड बी लेस देन 5/9 ये होगा आपका फर्स्ट यू कैन से कंडीशन का सोल्यूशन इसी को आप लिख सकते हो k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 5/9 मुझे कन्फर्म करो ये सबको समझा यस सर अच्छा जस्ट अ सेकेंड आप लोगों ने जो आंसर बोला था ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एक मिनट रुको मुझे क्रॉस चेक करने दो हाँ जो आपने आंसर बोला था थोड़ा सा मिस्टेक है एक बार चेक कर लो वो एक्चुअली 1.9 नहीं है वो 0.5 के आसपास आएगा चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ या सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे क्रॉस चेक करना कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ मैंने गलत चीज़ देख लिया था आंसर को चेक करते हुए हाँ अब डेल्टा पे आते हैं जो डेल्टा है वो बनेगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बना ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया इट इज 2k+1 डी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी सी हो जाएगा 9k-5 ग्रेटर देन 0 ये सबको समझा कैसे लिखा यस सर ओके नाउ विल सिंप्लीफाई इट फर्दर 2k+1 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा अपने पास बेसिकली 4k² + 4k+1 माइनस ऑफ 36k + 20 शुड बी ग्रेटर देन 0 अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं व्हेन यू सिंप्लीफाई इट फर्दर तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा 4k² - ऑफ 32k
प्लस 21 ग्रेटर देन 0. जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन. आप सबका भी इक्वेशन यही बना है? यस सर. चलो वेरी गुड. नाउ ऑब्वियसली ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो इसको भी हम वो रूट वाले टेक्निक से सॉल्व करेंगे. इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा अपने पास. पहले मैं इसको इक्वेशन में रिड्यूस कर देता हूँ ताकि मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट इजिली फाइंड आउट कर पाऊँ. सो मैं इसको इक्वेशन में रिड्यूस करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर माइनस 32 टाइम्स ऑफ k प्लस 21 इक्वल टू 0. अब मैंने k को सिंप्लीफाई किया तो k हो जाएगा मेरे पास 32 प्लस माइनस ऑफ रूट b स्क्वायर. 32 का स्क्वायर इज 1024 माइनस 4 ac दैट इज 4 इंटू 21 विच इज 84 इंटू 4 द होल अपॉन 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So k equals to 32 plus minus root over, this becomes 1024 minus 84 into 4. So 84 into 4 kitna ho jayega? I suppose 336, the whole upon 8. Now 1024 minus of 336. So finally apne ko answer kuch aisa dikhega. K is equals to 32 plus minus of root 1024 माइनस 336 मतलब ये हो जाएगा अपने पास 688. यस 688 द होल अपॉन 8. अब मुझे बताओ ये 688 को फैक्टराइज कर सकते हैं अपन? चेक कर सकते हैं और किस पार्ट में डिवाइड होगा या ब्रेक होगा. सो इसको मैं फैक्टर्स निकाल लेता हूँ. 2 दिस बिकम्स 344 फिर अगेन 2 सर 22 इनटू 43 4 टाइम्स 2 एंड 43 4 टाइम्स 2 एंड 43 ओके ठीक है. सो मतलब बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 4 और रूट के अंदर 43 करेक्ट है. 688 जो है इसको हम लिख सकते हैं 16 इनटू 43 ठीक है. तो रूट 16 बन जाएगा 4 एंड रूट 43 विल रिमेन एज इट इज. तो अपने पास यहाँ पे जो k है इसका वैल्यू आएगा 32 प्लस माइनस ऑफ 4 रूट 43 द होल अपॉन 8. पूरे में से 4 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा. k इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस ऑफ रूट 43 द होल डिवाइडेड बाय 2. अब यहां से अपने को क्रिटिकल पॉइंट मिला है. अगेन अप्रोक्सीमेशन पे आएंगे. अब देखो रूट 43 इज ऐसा वैल्यू जिसको मुझे सॉल्व करना नहीं आता बट ऑब्वियसली हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो कोई मुझे बता सकता है कि रूट 43 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा? सर मैंने 6.5 लिया. ओके इसका लॉजिक 6.5 लेने का? सर 7 7 14 9 तो से 6 का मैं इसके लिए मैंने आधा कुछ उल्टा पुल्टा लॉजिक लगाया थोड़ा. नहीं करेक्ट है करेक्ट है एग्जैक्टली ये लॉजिक है बेटा. मैं भी खुद भी यही बोलने वाला था. इनफैक्ट बाकी सब लोग भी ध्यान रखो. देखो कभी भी आपको अप्रोक्सीमेशन करना हो ना रूट के फॉर्म में तो सिंपल सा ये देखो कि जो नंबर का आप रूट निकाल रहे हो रूट 43 आप फाइंड आउट कर रहे हो तो 43 के जस्ट पहले आपको कौन से नंबर का रूट पता है. जहां तक आई नो कि 43 के पहले 36 का रूट आपको पता है दैट इज इक्वल टू 6. यस सर ठीक है. और 43 के बाद 49 इसका रूट पता है आपको 7. तो आपको ये पता है कि रूट 43 कहीं ना कहीं 6 से 7 के बीच में आएगा. इतना सबको समझा? हाँ सर ठीक है. अब आपको दिख रहा है कि 43 49 के ज्यादा क्लोज है तो एक काम करो 6.6 ले लो अप्रोक्सीमेटली ठीक है. अप्रोक्सीमेटली 6.6 है. अब उसको आप 6.6 लो या 6.5 लो या 6.4 लो ज्यादा आंसर पे इंपैक्ट नहीं होगा बिकॉज हम अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहे हैं क्वेश्चन को. सो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अज्यूम कर लेता हूँ रूट 43 इज इक्वल्स टू 6.6. कहने को मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग द टेक्निक बट क्यों हम टाइम वेस्ट करें बिकॉज क्या है कि फाइनली मुझे इसका यूज कुछ नहीं है. फाइनली मैं उसको रिप्लेस 43 से ही करूंगा रूट 43 से. तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको मानते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ. सर अगर 6.5 लिया है तो 6.6 लिया इतना डिफरेंस नहीं होगा ना आंसर पे? नहीं नहीं उतना डिफरेंस नहीं होगा बेटा सेम रहेगा ऑलमोस्ट. हाँ अब 6.6 अगर मैंने अज्यूम किया है तो मुझे बताओ k का फर्स्ट वैल्यू क्या होगा? 8 प्लस 6.6 अपॉन 2 कितना बन जाएगा? 8 प्लस 6.6 दैट विल बी 14.6. 14.6 बाय 2 मतलब 7.3. ये सबको समझा कैसे लिया अप्रोक्सीमेटली मैंने? हाँ यस सर. ओके moving to second one, 8 minus of 6.6, जब 8 में से 6.6 subtract करेंगे तो ये बनेगा 1.4, 1.4 by 2, तो this will be approximately 0.7. अभी समझे दोनों values? Yes sir. हाँ sir मैं 5 लिया तो मुझे 7.25 और 0.75
चलेगा, वो अप्रोक्सीमेटली उतना कम गैप है कि उसको आप इग्नोर कर सकते हो, दैट इज ओके, उससे भी आपके आंसर पे इम्पैक्ट नहीं होगा. नाउ अब ये जो के दो वैल्यू आए हैं, दीज आर अवर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेता हूँ टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन. एक वैल्यू आया है 0.7, सेकेंड वैल्यू इज 7.3, सेकेंड वैल्यू 7.3, यहाँ पे साइन स्कीम अलॉट कर दिया, प्लस माइनस प्लस. नाउ कमिंग बैक टू द एक्चुअल इनइक्वेशन, तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए था, ग्रेटर देन जीरो. सो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, x belongs to सर करेक्ट. यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा बिकॉज सब जगह ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे. अब जो दो केस थे दोनों आ चुके हैं, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द सेकंड कंडीशन. मुझे इन दोनों को सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करना है और इसका आंसर निकालना है. सो अब मैं इन दोनों को सेम लाइन पे प्लॉट करके कॉमन रीजन को आइडेंटिफाई करता हूँ, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट अपना जो आंसर था दैट वॉज माइनस इन्फिनिटी से 5/9. अब 5/9 लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया. एक ये भी ध्यान रखो कि 5/9 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, बताओ. 0.5 ये अप्रोक्सीमेटली इसको आप 0.5 बोल सकते हैं, क्योंकि अगर 5/9 की जगह 5/10 होता तो 0.5 बन जाता. हाँ सर, तो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 0.5 ही मान लिया. ठीक है, तो अब ये जो आंसर था ये था माइनस इन्फिनिटी से लेके 5/9, दैट इज 0.5, यहाँ तक मैंने मार्क कर दिया विथ अ हॉलो डॉट बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड. ये अपना एक पार्ट हुआ. सेकेंड पार्ट जो है उसको समझते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0.7, मुझे बताओ 0.7 राइट साइड आएगा सर. यस, राइट साइड में आएगा, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 0.7 एंड ऑब्वियसली 7.3 भी राइट साइड में रहेगा. तो माइनस इन्फिनिटी से 0.7, दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी से 0.7, ये हमने इस तरीके से प्लॉट कर दिया, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड. एंड यहां से मैंने बोला 7.3 से इन्फिनिटी, ये दो अपने पार्ट थे. अब इसमें ऑब्जर्व करेंगे हम कॉमन रीजन, तो आप यहाँ पे दो ही लॉजिक है, मतलब दो ही लाइन से बेसिकली रेड एंड ब्लैक, तो मुझे उन दोनों को ही ऑब्जर्व करना है. जब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहीं पे कॉमन दिख गया, ये दोनों लाइन यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है. अब ये कहाँ तक चल रहा है वो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये अपने पास कॉमन चल रही है और ये ब्लैक पे आके रुक जाएगा. दिस विल बी द लास्ट कॉमन पार्ट, इसके आगे कॉमन नहीं मिलेगा. समझे सब लोग कॉमन रीजन कैसे निकाला? यस सर. हाँ, दिस विल बी योर कॉमन रीजन, ये अपना कॉमन रीजन रहेगा. अब जब मैं इसको आंसर के फॉर्म में लिखूंगा तो आंसर के फॉर्म में ये क्या आ जाएगा बताओ मुझे. x belongs minus infinity sir, to k belongs to no k sorry अरे हाँ सॉरी x नहीं आएगा k आएगा. यस यस, k belongs to कहाँ से कहाँ तक रहेगा, आपने ऊपर भी k लिखा है. Yes, it should be minus infinity, 5/9. ये होगा आपका final answer. Yes, open bracket. कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो case 1 था ना, यही इसका answer आ गया condition 1. इसके अलावा और कुछ नहीं है basically. So simplify कैसे किया वो समझे अभी इस case में? तो सर हमेशा ये वाले case में मतलब अल्फा बीटा का ही आता है कि change होता है? नहीं, change होता है बेटा. वो depend करता है values के ऊपर और condition के ऊपर. जैसे इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली वो कंडीशन सेम आ गया, बट ऐसा जरूरी नहीं है, वो क्वेश्चन की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा. लाइक मैं आपको इसी टाइप का एक एग्जांपल और दे रहा हूँ अभी, इसको आप सॉल्व करो तो वहां से आपको हिंट लग जाएगा कि क्वेश्चन सेम आए जरूरी नहीं है, क्वेश्चन डिफरेंट भी आ सकता है आपके पास. ओके, एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाइज सिंपल रहेगा क्वेश्चन. यहाँ पे आपको सिर्फ लॉजिक यूज करना है और कैटेगरी कौन सा है वो आप खुद क्रैक करोगे, केस 1, केस 2, केस 3, तीनों में से कौन सा है ये ट्राई करना. सो दिस क्वेश्चन सेज Find the set of values of M for which the root of equation the root of equation x square minus 2 times of m minus 3 times of x square minus 2 times of m minus 3 times of x minus 9 equal to 0
आर ऑफ ऑपोजिट साइन, आर ऑफ ऑपोजिट साइन. नाउ इसको ट्राई करो. कौन से केस को बिलोंग करता है ये क्वेश्चन? केस थ्री सर. केस थ्री सर, चलो ठीक है. अब यहाँ पे कैलकुलेशन उतने कॉम्प्लिकेट नहीं है, बट यस कुछ स्पेशल लॉजिक लगेगा. एक बार आप लोग ट्राई करो. सर इसके ऊपर वाले में 5/9 कैसे आया फाइनल आंसर में? बेटा फाइनल आंसर में 5/9 इसलिए आया बिकॉज ऑफ कॉमन रीजन. देखोगे तो कॉमन रीजन यही तक है बस, खाली इसके आगे जा ही नहीं रहा है कॉमन रीजन. हमको ब्लैक और रेड का कॉमन देखना था, तो कॉमन यही पे क्लोज हो गया. अभी समझे? हाँ चलो इसको ट्राई कर लो. सर
सर डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है बट डेल्टा नेगेटिव नहीं आ रहा होगा आई थिंक डेल्टा का भी जो आपके पास डेल्टा है वो नेगेटिव आ रहा होगा तो डेल्टा का जो इक्वेशन बना है उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा होगा हाँ सर हाँ सर ओके वो थोड़ा लॉजिक था सोचो इसमें आप क्या कर सकते हो वो करेक्ट है नेगेटिव आएगा बट उससे आपका कंक्लूजन क्या रहेगा वो आपको सोचना है सर नो सॉल्यूशन होता है ना या फिर नो रियल रूट नहीं बेटा ऐसा नहीं है इसमें कुछ और कंडीशन रहेगा सोच थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन को मैंने लिया ही इसलिए बिकॉज यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा अपने को अपार्ट फ्रॉम दी नॉर्मल केसेस यहाँ पे एक स्पेशल केस भी आ रहा है तो उसको भी सीखना है तो एक बार आप लोग सोचो लास्ट वन मिनट फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे केसेस को जस्टिफाई कैसे करते हैं और इससे कंक्लूजन क्या मिलता है अपने को सर सर माइनस माइनस इनफिनिटी टू माइनस 9.6 है क्या नो बेटा चलो मैं करता हूँ इसको डिस्कस थोड़ा समझना कि इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली कंडीशन तो नॉर्मल थी बट कंडीशन का जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में आएगा और कैसे आएगा वो देखो क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा कंक्लूजन बनेगा जो हमने अब तक किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं किया है सबसे पहले हम राइटिंग डाउन दी कंडीशन कंडीशंस होंगी कि अल्फा इनटू बीटा शुड बी लेस देन जीरो ये फर्स्ट कंडीशन एंड डेल्टा जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो ये हमने देखा था ऑलरेडी अब अल्फा इनटू बीटा अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जर्व करूं तो अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू आएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ एम माइनस थ्री शुड बी लेस देन जीरो सिंप्लीफाई करते हैं तो टू से टू कैंसिल तो ये हो जाएगा सॉरी टू से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपके पास तो एम माइनस थ्री लेस देन जीरो मतलब m is less than 3 और अगर m 3 से छोटा है तो I can simply say कि जो m है उसको मैं लिख सकता हूँ minus infinity से लेके 3 yes बेटा अरे sorry yes sorry मैंने sum of root लिख दिया गलती से it should be product of root ना yes correct now अब मुझे बताओ इस equation का product of root क्या yes इस equation का product of root है minus 9 less than 0 अब यहाँ पे एक स्पेशल केस बन गया क्या ये इन इक्वेशन m पे डिपेंड कर रही है क्या इस इन इक्वेशन में कहीं भी m है नो सर नो नो और सेकेंडली ये जो इन इक्वेशन है ये एक ट्रू इन इक्वेशन है या फॉल्स इन इक्वेशन है ट्रू नहीं बेटा ये ट्रू है ना क्योंकि ट्रू है सर हमेशा यस माइनस नाइन हमेशा जीरो से छोटा होता है तो यहाँ पे अपने पास जो इन इक्वेशन है वो ट्रू है और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सली ट्रू इनइक्वेशन और यूनिवर्सली ट्रू सॉल्यूशन मतलब इस चीज को कोई भी गलत नहीं बता सकता कि माइनस नाइन इज ऑलवेज लेस देन जीरो सेकेंडली इसका डायरेक्टली डिपेंडेंसी m पे नहीं है मतलब m कुछ भी पुट करो ये इनइक्वेशन चेंज नहीं होगा करेक्ट है यस सर
तो जब भी आपके पास हमेशा एक ट्रू इक्वेशन या फिर ट्रू इनइक्वेशन मिलता है तो उस केस में एक चीज समझो, आपका जो सोल्यूशन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर। आपका सोल्यूशन होता है ऑल रियल नंबर, मतलब यहाँ पे m को फर्क ही नहीं पड़ता। आपने m को 1 पुट किया, m को 2 पुट किया, m को 3 पुट किया, द रीजन बीइंग कि डिपेंडेंसी m के ऊपर है ही नहीं ना। जब आप यहाँ पे x को सॉल्व करोगे अल्फा इनटू बीटा, तो m जो भी पुट करोगे वो सम ऑफ रूट्स को चेंज करेगा। क्या वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को बदल सकता है? जो m को आप पुट करोगे, क्या आपका m प्रोडक्ट ऑफ रूट को चेंज कर सकता है? मुझे बताओ। नो सर, नो सर, ऑलवेज बी कांस्टेंट। और वो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा ना, सिंपल सा, हमेशा इसको ध्यान रखो, जब भी आप कुछ ऐसा इन इक्वेशन या इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो जिसमें डिपेंडेंसी वेरिएबल पे नहीं है और वो एक ट्रू इन इक्वेशन बना, ट्रू मतलब बेसिकली ऐसा है कि ये यूनिवर्सली ट्रू होगा, तो इसका सोल्यूशन रहेगा ऑल रियल नंबर। अब इसी में हो सकता था कि ऐसा इक्वेशन बन जाता 9 less than 0, ठीक है, सपोज करो ऐसा बनता, तो अब इसको आप ट्रू इन इक्वेशन बोलोगे या फॉल्स बोलोगे? फॉल्स। तो बेसिकली ये अपने पास हो जाएगा नो सॉल्यूशन वाला केस। तो आप समझे कि नो सॉल्यूशन कैसे आएगा और सारे सॉल्यूशन ऑल रियल नंबर कैसे आएगा? Yes, sir. हाँ, so इस केस को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको सॉल्व करने पे वेरिएबल ना मिले और इस टाइप से कुछ केसेस मिले जहां पे आप डायरेक्टली आंसर पे कमेंट नहीं कर सकते, बट यस यू कैन आइडेंटिफाई कि जो इन इक्वेशन है वो ट्रू है या फॉल्स, तो उस केस में आप डायरेक्टली कमेंट करोगे। अगर आपका इन इक्वेशन ट्रू है जो कांस्टेंट है, तो उसमें आप बोलोगे कि जो भी m बोला गया है वो सभी m इसके आंसर्स हैं, बेसिकली m पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ m, वो चलेगा। और अगर फॉल्स इक्वेशन बन गया तो सॉल्यूशन हो गई नहीं अपने पास। तो यहाँ पे फर्स्ट केस का इंपॉर्टेंस हट गया कंडीशन का, कि यहाँ तो आ गया चलो m कुछ भी हो सकता है। अब डेल्टा पे आते हैं। डेल्टा का जो वैल्यू था दैट इज सपोज टू बी बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हो गया 4 टाइम्स ऑफ m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन 0। एक बार चेक कर लो, करेक्ट लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है, इन दोनों में से 4 को कॉमन निकाल के 0 में शिफ्ट कर लो, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, m माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके आगे इसको सॉल्व ही मत करना, मैं बोलता हूँ उसका रीजन। जब इसके आगे आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है जो ना तो फैक्टराइज हो रहा है और ना फॉर्मूला मेथड से सॉल्व हो रहा है, करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको रीजन बताता हूँ उसके लिए। मुझे एक सिंपल चीज बताओ, m माइनस 3, मैं m को कुछ भी नंबर पुट करूं, m माइनस 3 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा? हाँ सर। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लो, मतलब कैसा है ना कि पॉजिटिव या फिर जीरो, नेगेटिव तो फॉल्स और नहीं आ सकता, या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर जीरो रहेगा। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि आप m को कुछ भी वैल्यू पुट करो, m माइनस 3 का स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड अ पॉजिटिव नंबर प्लस 9, क्या बोलू, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। नहीं बेटा, नहीं होता। आप ट्राई करो, जब इसको ओपन करोगे तो आपका इक्वेशन फैक्टराइज होगा ही नहीं। सर मैंने फैक्टराइजेशन मतलब पूरा किया, पर उसमें जो डेल्टा अंदर आता है ना, b² - 4ac, उसमें -36 आ रहा है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना कि वहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसका मतलब ये हो गया कि इसके रूट्स नहीं है, करेक्ट है? हाँ। तो रूट्स नहीं है तो उसमें क्या होता है ना कि हम डायरेक्टली कमेंट करते हैं, और मैंने वही कमेंट यहाँ पे आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, m माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9, तो ये नंबर m की किसी भी वैल्यू पे हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। ये नंबर आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम बोलू हमेशा जीरो से बड़ा ही रहेगा, कुछ भी कर लो आप। हाँ सर। हाँ, तो अगेन ये भी एक यूनिवर्सल ट्रू रिलेशन बन चुका है, यूनिवर्सल ट्रू इक्वेशन बन चुका है बेसिकली। और अगर ये भी यूनिवर्सली ट्रू है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब यहाँ भी m पे डिपेंडेंसी नहीं है, आपको जो पुट करना है आप पुट कर सकते हो, आपको हमेशा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। आपको चाहिए तो m का मुझे कोई भी वैल्यू बोलो, 0, 1, 2, 3, 4, वो सभी वैल्यू m के इस इक्वेशन या फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज ये जो कंडीशन बनी है वापस से ये एक यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट बन चुका है। और अगर ये एक यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट है तो सिंपल सा इसका भी m क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व किया तो भी आंसर क्या मिला, ऑल रियल नंबर। सेकेंड कंडीशन को सॉल्व किया तो भी आंसर मिला ऑल रियल नंबर, मुझे दोनों का कॉमन देखना था। तो अब मैं अपना फाइनल आंसर क्या बोल सकता हूँ?
वी ऑल रियल नंबर्स. यस, फाइनल आंसर रहेगा कि आप m को कुछ भी पुट करो, m शुड बिलोंग टू रियल नंबर. आप m को कुछ भी पुट करो, आपका जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया था, हमेशा इसके रूट्स का साइन ऑपोजिट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ m. चाहो तो चेक कर लो, m इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट करोगे, आपको ऑलवेज इस इक्वेशन के जो रूट्स मिलेंगे वो ऑपोजिट साइन के होंगे. सो अभी ये समझे कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं था, इस क्वेश्चन में लॉजिक ज्यादा थे बस खाली. ठीक है, दूसरा, कभी भी आपको इस टाइप से एक्सप्रेशन मिलेंगे जो यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट होते हैं. तो अगर कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा ऑल द रियल नंबर्स. जितने भी वैल्यू है वो सभी उस क्वेश्चन को, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. द रीजन बीइंग कि डायरेक्ट डिपेंडेंसी होता ही नहीं है, एम कुछ भी पुट करो ये स्टेटमेंट तो हमेशा बनने वाला है और ये हमेशा ट्रू भी रहेगा. सो आप समझे कि इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी. यस सर, बट ऐसे क्वेश्चन को मतलब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है या फिर टेस्ट में? सेम ये इस फॉर्म में आएगा बेटा, ये क्वेश्चन यही लिखा होगा. सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा कि m बिलोंग्स टू r या फिर m बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी. तो आपको क्रैक करना है कि यस, जो अपनी कंडीशन बनी है वो कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है तो सॉल्व कर लेंगे, अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं है तो फिर इनमें से कौन सा है, यूनिवर्सली ट्रू है या यूनिवर्सली फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. देखो तीन ही चीज पॉसिबल है. पहला तो ये कि यहाँ पे m का एक्सप्रेशन बन जाता तो फिर आप m को सॉल्व कर लेते इन इक्वेशन के थ्रू. दूसरा, या तो यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट बनेगा लाइक दिस, जिसका आंसर हो जाएगा ऑल रियल नंबर. और तीसरा, यूनिवर्सली फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा जो कभी ट्रू हो नहीं सकता, तो वहां पे आंसर आएगा नो सॉल्यूशन. इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं बेटा. और सर, अगर पहले वाले में हम लोग को नो सॉल्यूशन मिल जाता तो हम लोग डायरेक्टली आंसर को टिक करके. यस, ये बिल्कुल करेक्ट आपने बोला. इन्होंने बोला कि सर अगर पहले वाले में नो सॉल्यूशन मिलता तो सेकंड तो चेक ही नहीं करना. यस, बिल्कुल करेक्ट है, आप सेकंड चेक ही नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि आप जो भी करोगे उनमें आपको दोनों का कॉमन लेना होता है. अगर एक केस ने बोल दिया कि मेरा तो सॉल्यूशन ही नहीं है तो दूसरे से कॉमन क्या ही आएगा. तो इसीलिए अगर किसी भी एक केस का कंडीशन आता है आपके पास कि नो सॉल्यूशन, तो उस क्वेश्चन का ही सीधे आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन. बिकॉज अगर एक केस में आंसर नहीं है तो सेकंड केस से कॉमन हो ही नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल. तो इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बस खाली कि अगर किसी भी एक केस का कंडीशन ऐसा बना कि वो नो सॉल्यूशन में रिड्यूस हो गया तो फाइनली आपका आंसर नहीं आएगा. ठीक है? हाँ सर. चलो इसको और थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं. क्वेश्चन के फॉर्म में समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक केस और ले लेता हूँ, केस नंबर 4. केस नंबर 1, 2, 3 जो है ये काइंड ऑफ डायरेक्ट केस होते हैं. ठीक है, इनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता. केस नंबर 4 ऑनवर्ड्स ना थोड़ा सा एक नया केस बनेगा, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन होगी जिसको हम अभी सिर्फ यूज करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे. इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा 1 से 2 लेक्चर के बाद, जब मैं क्वाड्रेटिक का आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं इसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करूंगा. बट अभी के लिए अब मैं सबसे आपको इसको यूज करना सिखाऊंगा. अब केस 4 क्या है वो समझना. केस 4 है व्हेन बोथ द रूट्स आर greater than k, when both the roots are greater than k. देखो अभी जो आपने पढ़ा था ना केस 1, वो था कि दोनों रूट पॉजिटिव हो, उसका मतलब हुआ कि both the roots are greater than 0, सिंपल सा कंडीशन. अब उसने क्या बोला है कि कोई एक नंबर रहेगा, अब वो नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों रूट जो है वो इस नंबर से बड़े हैं. अब यहाँ पे कंडीशन कैसे बनेगी ये मुझे बताओ. लाइक अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा पे कुछ कमेंट कर सकते हो? यहां भी सेम इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसके जो रूट्स हैं वो रूट्स रहेंगे अपने पास अल्फा एंड बीटा. सो मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स पे कुछ कमेंट कर सकते हो? अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन k? नो, इट शुड बी ग्रेटर देन 2k. क्यों? एक सिंपल सी कंडीशन है. आपको क्या बोला है? आपको बोला था कि अल्फा और बीटा दोनों के से बड़े हैं, तो एक इन इक्वेशन बनेगा अल्फा इज ग्रेटर देन के, दूसरा इन इक्वेशन बनेगा बीटा इज ग्रेटर देन के. अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 2k. ये समझे फर्स्ट कंडीशन? चलो सेकंड मुझे बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट पे कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? क्या कमेंट नहीं, अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है. इस पे एक्चुअली हम कमेंट नहीं कर सकते. मैं बोलता हूँ उसका रीजन.
देखो जो आपने केस पर बोला आपने लॉजिक यूज कर लिया कि सर एक एक के से बड़ा है एक के से छोटा है, बट द प्रॉब्लम इज कि आपको के का साइन नहीं पता। अगर के पॉजिटिव हुआ तब तो चलो ठीक है के स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, बट अगर के नेगेटिव हुआ तो आप क्या करोगे, क्योंकि उस केस में नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो केस कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए जैसे हमने थर्ड केस में अल्फा प्लस बीटा पे कमेंट नहीं किया, हम फोर्थ केस में अल्फा इंटू बीटा पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, इसको ध्यान रखो। क्योंकि एक सिंपल सा कंडीशन है, अगर अल्फा आपके पास सपोज माइनस टू से छोटा है और बीटा भी माइनस टू से छोटा है तो प्रोडक्ट फोर से छोटा होगा, ये आप नहीं बोल सकते बेटा, दैट इज इनकरेक्ट। द रीजन बीइंग कि नेगेटिव नंबर्स में आपका केस जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे कुछ कमेंट नहीं करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं होगा तो नेक्स्ट कौन आ जाएगा, डेल्टा। देख के बताओ डेल्टा पे कमेंट क्या करोगे, ग्रेटर देन जीरो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन जीरो, ये तो होता ही था। अब इक्वल टू लगेगा कि नहीं वो आपको डिसाइड करना है। क्या यहाँ पे दो नंबर्स इक्वल हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें? क्यों, आपको सिर्फ क्या बोला है, हाँ बोलो। सो आपको सिर्फ ये बोला है कि जो नंबर है वो k से बड़े होने चाहिए। लेट अस से k मतलब कोई नंबर हो गया 2, तो आपको 2 से बड़े दो नंबर्स चाहिए। अब वो दोनों नंबर सेम भी तो हो सकते हैं बेटा। अगर ऐसा बोलता कि एक नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए एक नंबर 2 से छोटा, तो मैं बोलता कि चलो सेम नहीं हो सकते, बिकॉज 2 से बड़ा नंबर 2 से छोटा नंबर आपस में सेम कैसे होंगे। बट अगर मैंने ये बोल दिया कि दोनों नंबर 2 से बड़े होने चाहिए, तो क्या अभी वो सेम हो सकते हैं? यस और नो? यस। तो यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा, ठीक है। देखो एक सिंपल सी चीज ध्यान रखो, इक्वल टू कहाँ पे नहीं आता, जिस केस में दोनों रूट के इक्वल होने का चांस नहीं है। जैसे इस केस में दोनों रूट इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि उसने क्या बोला कि आपके दोनों ही रूट के से बड़े होने चाहिए। के मतलब कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होगा, तो उस नंबर से बड़े अगर दोनों रूट्स हैं तो ऑब्वियसली बात है दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और दोनों सेम रूट भी हो सकते हैं। तो मैंने उसी कंडीशन को यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जो बताया टू वाला केस, कि सपोज करो के टू है तो टू से बड़े दो नंबर, यस बिल्कुल पॉसिबल है दोनों आपस में इक्वल हो। पर अगर ऐसा बोल देता कि एक नंबर टू से बड़ा और एक नंबर टू से छोटा, तो क्या अब इक्वल हो सकते हैं? नहीं, नो। तो वहां पे इक्वल टू नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ ग्रेटर देन जीरो आएगा। अब ये तो हुई सेकंड कंडीशन। यहाँ पे एक थर्ड और यू कैन से इम्पोर्टेंट कंडीशन और है जो थोड़ा सा नया है। इसका जो लॉजिक है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको इसको यूज करना सिखा रहा हूँ। बिकॉज इसके लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्वाड्रेटिक का एक पूरा पार्ट बताना पड़ेगा, जो हम एक लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे, तो वहां उस समय इसका लॉजिक मैं कवर करूंगा। बट अभी के लिए खाली इसको यूज करना सीख जाओ। ये कंडीशन होती है a into f of k, a into f of k is greater than zero. Okay, just hold on for a second. Hello. हाँ बेटा, सो थर्ड कंडीशन जो थी दैट वाज a into f of k greater than zero। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है समझना और इसको कैसे यूज करना है। यहाँ पे जो आपका a है ये रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। याद है a को हम वही लिखते थे, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। f of k क्या होता है वो समझना, जो भी आपको इक्वेशन दी है, लाइक यहाँ पे इक्वेशन क्या है a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, तो इस इक्वेशन को आप लिखोगे f of x is equals to ax square plus bx plus c, equal to zero नहीं, यही आपका f of x है। और f of k निकालना है तो आप x की जगह पे k put कर दोगे, k कुछ ना कुछ number दिया होगा, जब उस number को put करोगे तो ये ऐसा दिखेगा ak square
प्लस बी के प्लस सी, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगा और वही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। नाउ ये मैं आपको सिर्फ यूज करना सिखा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, इसका लॉजिक एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। मुझे खाली ये कंफर्म कर दो कि ये कंडीशन में ए क्या है और एफ ऑफ के क्या है, ये आपको समझा? Yes, sir. चलो अब थोड़ा सा और बेटर में समझने के लिए एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि एग्जैक्टली ये इनको यूज कैसे करना है। स्टार्टिंग की दो कंडीशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्टली यूज कर लोगे, बट प्रॉब्लम आपको थर्ड कंडीशन में स्टार्टिंग में आएगा, सो उसको अपन एलिमिनेट कर देते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। द क्वेश्चन सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम आर द रूट्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एम प्लस वन एक्स स्क्वायर, एम प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एम एक्स प्लस फोर एम इक्वल टू जीरो आर ग्रेटर देन वन। अब क्या आपको क्वेश्चन समझा कि ये क्वेश्चन केस फोर को बिलोंग करता है? Yes, sir. हाँ, क्योंकि आपको बोला गया है कि जो रूट है वो कहीं ना कहीं वन से बड़े होने चाहिए। सो अब यहाँ पे केस फोर का क्वेश्चन आ गया। केस फोर है तो मैं पहले कंडीशंस को नोट डाउन कर लूंगा। माई फर्स्ट कंडीशन शुड बी अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2k से बड़ा होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन शुड बी डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड थर्ड कंडीशन a इंटू एफ ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन पहले तो मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ के इस क्वेश्चन में k का वैल्यू क्या है? What is k? Sir, one. Yes, k is one. K वो नंबर होता है जो क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि रूट्स k से बड़े हैं, तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है रूट्स वन से बड़े हैं, तो k इक्वल टू वन। दूसरा मुझे इस क्वेश्चन में फंक्शन बताओगे कि आप इस क्वेश्चन में f of x को क्या लिखोगे? Because हमको f of k find out करना है। Yes. Sir. M plus one times yes, of x square minus of 3mx and plus 4m. इक्वल टू जीरो मत लिखना, ये आपका फंक्शन है। मुझे खाली कंफर्म करो ये दो चीज समझी मैंने क्वेश्चन से, ये दो इन्फॉर्मेशन को कैसे निकाला? Yes, sir. Okay, now coming back to the question. अब पहले मैं फर्स्ट कंडीशन को यूज करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन था कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी ग्रेटर देन 2k। मुझे बताओ इस इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? Yes, it should be 3m upon m plus 1 greater than 2k और k का वैल्यू 1 था तो इसको 2 लिख दूं। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते थे? Yes, 2 को हम लोग शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बनेगा 3m upon m plus 1 minus 2 greater than 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 3m माइनस ऑफ ट्वाइस एम प्लस वन द होल अपॉन एम प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये हो जाएगा अपने पास कंडीशन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। व्हेन आई सिंप्लीफाई इट फर्दर तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? इट विल बी 3m माइनस 2m माइनस 2 द होल अपॉन एम प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा m माइनस टू अपॉन m प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को अपन प्लॉट कर लेते हैं। सो इट विल बी माइनस वन एंड टू। नेक्स्ट इज साइन स्कीम दैट इज प्लस माइनस प्लस। हमसे बोला गया था कि अपने को चाहिए पॉजिटिव आंसर, सो मुझे बताओ इस केस में फाइनल पॉजिटिव आंसर क्या होगा अपने पास? माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस वन यूनियन टू कॉमा इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस वन यूनियन टू कॉमा इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट। मुझे बताओ इस पार्ट के सॉल्यूशन में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? एनीवन? चलो दिस इज द सॉल्यूशन करेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे विच सेज डेल्टा। सो डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब ये हो जाएगा b square minus of 4ac greater than or equal to 0।
अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस इक्वेशन का बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी माइनस थ्री एम का स्क्वायर, मतलब नाइन एम स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास नाइन एम स्क्वायर, नाइन टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। जब मैं ए इंटू सी लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास, ए मतलब हो गया एम प्लस वन, सी मतलब फोर एम, तो ये हो जाएगा अपने पास एम प्लस वन इंटू फोर टाइम्स ऑफ एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, चेक करना, ये बनेगा नाइन एम स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एम स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्सटीन एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सब लोग चेक कर लो बराबर लिखा है मैंने, हाँ सर, एक मिनट, ये 16 रहेगा बस का। हाँ, अब 9m square minus 16m square, तो ये हो जाएगा minus 7m square minus of 16m greater than equal to zero। मुझे बताओ इसके बाद क्या करेंगे? So multiply throughout by minus। Yes, multiply throughout by minus sign। तो ये हो जाएगा 7m square plus 16m should be less than equal to zero। अब इन दोनों में से आई कैन टेक एम कॉमन, जब एम कॉमन लिया तो ये बचेगा 7m plus 16 less than equal to zero। मुझे बताओ इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे? Zero और minus 16 upon 7। Minus 16 upon 7 और दूसरा आ जाएगा अपने पास zero। अगेन यहाँ भी साइन स्कीम ऑब्जर्व किया, प्लस माइनस प्लस, तो इसका भी कर्व कुछ इस तरीके से ट्रेस होगा। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में? So minus 16 upon 7 comma 0 square brackets, minus 16 upon 7 comma 0 square bracket, हाँ yes, दोनों में square bracket रहेगा अपने पास, क्योंकि यहाँ पे less than और equal to है, तो it will be square bracket minus 16 upon 7 comma 0 square bracket। ये हो गया अपना part 2 का answer। यहाँ तक clear condition 2? Yes sir, yes sir। Now moving to condition 3, condition 3 था अपने पास a into f of k greater than 0। Now this is the condition जहाँ पे आप लोग focus करना carefully, because यहीं पे problem शायद आ सकता था, but इतना complicated है नहीं, जब solve करोगे तो समझ जाएगा। मुझे बताओ इस equation का a क्या है, जो equation आपको दिया है इसमें a क्या है? a है m plus 1। m plus 1, very good। तो आप यहाँ पे a की जगह पे लिख दोगे m plus 1, ये तो clear हो गया, it will be m प्लस वन। और हमने खुद बोला था कि एफ ऑफ के, के का वैल्यू तो वन था, तो ये आ जाएगा इनटू एफ ऑफ वन ग्रेटर देन जीरो, बराबर? यस सर। अब हमने यहाँ पे जस्टिफाई किया है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो ये है, अगर मैं एक्स की जगह वन पुट करूंगा तो बोलू मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ वन मिल जाएगा, हाँ सर। और राइट साइड पे क्या बनेगा वो देखना, राइट साइड पे बनेगा एम प्लस वन के बदले एक्स के बदले वन, यस। तो यहाँ पे दिखेगा एम प्लस वन माइनस थ्री एम प्लस फोर एम, करेक्ट? यस सर। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एम प्लस एफ ऑफ वन का वैल्यू लिख रहा हूँ, एफ ऑफ वन विल बी एम प्लस वन माइनस ऑफ थ्री एम प्लस फोर एम। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एफ ऑफ वन का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा टू एम प्लस वन। ये सबको समझा सर? एक्स और के दोनों की वैल्यू वन ही है क्या? नहीं नहीं बेटा, x और k दोनों की वैल्यू 1 नहीं है, k की वैल्यू 1 थी, और इस एक्सप्रेशन में आप x की जगह पे k पुट करते हो, k की वैल्यू जो थी वो 1 थी, और इस एक्सप्रेशन में आप x की जगह पे क्या पुट करते हो, k पुट करते हो, तो टेक्निकली x और k दोनों 1 हो गया, ऐसे बोल सकते हो, बट ओनली फॉर थर्ड कंडीशन, ये हमेशा नहीं चलेगा, दिस इज ओनली फॉर यूजिंग दिस कंडीशन। ओके चलो, अब यहाँ पे देखना अपने पास जो इक्वेशन बना है वो कैसा बनेगा। So f of 1 is 2m plus 1, अब इसको अपने को वापस से सॉल्व करना आता है, इट इज m plus 1 into 2m plus 1 greater than 0। मुझे बताओ इस इक्वेशन के या इस एक्सप्रेशन के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? So minus 1 and minus half। Yes, minus 1 and minus half। Again यहाँ पे साइन स्कीम अलॉट करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, जब इसका वेवी कर्व प्लॉट करेंगे तो ये आपको दिखेगा। अब मुझे चाहिए पॉजिटिव, फाइनल आंसर बोल दो क्या बनेगा? माइनस इनफिनिटी कॉमा माइनस वन यूनियन माइनस हाफ कॉमा इनफिनिटी राउंड ब्रैकेट्स, ऑल द ब्रैकेट्स विल बी राउंड, सो माइनस इनफिनिटी कॉमा माइनस वन यूनियन माइनस हाफ कॉमा इनफिनिटी। ये हो गया अपने थर्ड पार्ट का आंसर।
अभी इन तीनों केस के जो हमने आंसर लिखे, ये सबको क्लियर हुआ कि मैंने आंसर कैसे लिखे हैं? Yes, sir. चलो अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज इन तीनों का इंटरसेक्शन. तो इन तीनों को हम सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे टू गेट टू द वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन. अब यहाँ पे चेक कर लो, ये मैंने बनाया एक नंबर लाइन. इस नंबर लाइन पे सबसे पहले मैं फर्स्ट केस को लेके आता हूँ. फर्स्ट केस क्या था अपने पास? फर्स्ट केस था कि जो m है दैट शुड लाई फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी ऑल ओपन. माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पे प्लॉट कर देंगे लेट अस से माइनस वन, यहाँ पे प्लॉट किया टू. माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन ओपन था इसलिए आपके पास हॉलो डॉट, और यूनियन टू से इन्फिनिटी. कंफर्म करो सबको समझा मैंने कैसे प्लॉट किया फर्स्ट केस? हाँ सर. ओके, नाउ सेकंड केस का आंसर ये था माइनस सिक्सटीन अपॉन सेवन टू जीरो. माइनस सिक्सटीन अपॉन सेवन टू जीरो. अब मुझे बताओ माइनस सिक्सटीन अपॉन सेवन कहाँ पे प्लॉट करूं? सर माइनस वन के लेफ्ट में. वेरी गुड, इट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माइनस वन. यहाँ होना चाहिए माइनस सिक्सटीन अपॉन सेवन से लेके जीरो. जीरो कहाँ पे आएगा? सर सेंटर में. सेंटर में, यस. जीरो आपके पास यहाँ पे आ गया, और इन दोनों में आपके पास क्लोज ब्रैकेट था, तो इसको मैंने प्लॉट करने के लिए सॉलिड डॉट का यूज किया, और ये लाइन आपके पास कुछ इस तरीके से आएगी माइनस सिक्सटीन बाय सेवन टू जीरो. ये सबको क्लियर है अभी? यस और नो? हाँ सर. यस सर. ओके, नाउ मूविंग टू लास्ट पार्ट. अब लास्ट पार्ट को इस पर ट्रेस करना है. सो बेसिकली लास्ट पार्ट इज दिस वन, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन. माइनस वन तो ऑलरेडी प्लॉटेड है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन ले लेते हैं. ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन. नेक्स्ट इज माइनस हाफ टू इन्फिनिटी. अब माइनस हाफ कहाँ पे आएगा बेटा? सेंटर में रहेगा माइनस हाफ. तो माइनस हाफ से इन्फिनिटी, अगेन माइनस हाफ को ओपन किया और यहाँ से लेके चले गए अप टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, ये तीनों को ट्रेस किया. अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम? अब तीनों को कॉमन देखना है. सो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. लेफ्ट में देखा तो यहाँ पे तो दो ही हैं, दो हैं, अभी भी दो चल रहे हैं, अभी भी दो चल रहे हैं. यहाँ से तीन लाइन आना स्टार्ट होंगे साथ में, तो यहाँ से अपना कॉमन रीजन चालू हुआ. ये कॉमन रीजन चल रहा है, दिस इज अवर कॉमन रीजन. यहाँ पे आके कॉमन रीजन रुक गया. मुझे बताओ क्या इसके अलावा और कोई रीजन कॉमन है आपके पास इतने पार्ट के अलावा? तो यही रहेगा बेसिकली अपना फाइनल आंसर. जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको समझेगा कि यहाँ पे ये अपना कॉमन वैल्यू दिखा, कॉमन रीजन रहेगा. अब मुझे बोलो इस कॉमन रीजन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? कहां से कहां तक? माइनस 16 बाय 7 से माइनस 7 स्क्वायर ब्रैकेट एंड माइनस 1 राउंड ब्रैकेट. ओके, माइनस ऑफ 16 बाय 7 जो रहेगा यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा एज इट इज इंक्लूडेड इन ऑल द थ्री लाइंस, और माइनस 1 पे रहेगा. यस, अगेन m बिलोंग्स टू, यहां पे आएगा m. m बिलोंग्स टू माइनस सिक्सटीन बाय सेवन बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन ऑल द थ्री वैल्यूज, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन एज माइनस वन पे ओपन ब्रैकेट बिकॉज ये दो में काउंटेड नहीं था. तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर. जो m होगा दैट शुड लाई फ्रॉम माइनस सिक्सटीन बाय सेवन टू माइनस वन. कन्फर्म करो सबको समझा ये पार्ट? यस सर. ओके, सो बेसिकली जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था विच इज कि थर्ड कंडीशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये थर्ड कंडीशन का सॉल्विंग का पार्ट समझा आप लोगों को? f of k वाला और a वाला? Yes. अच्छा. Now सर ये बड़ा क्वेश्चन था ना? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनेगा बेटा ये. और सेकंड क्या है कि नहीं इसको ऐसा देखो कि इसका क्या है कि इसका थर्ड केस में आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए टाइम भी काफी लगा. बट यस, जब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो 3 टू 4 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. और ऑब्वियसली ये प्रॉपर क्वेश्चन एडवांस लेवल पे जाएगा, ये मेंस पे भी नहीं आएगा, एडवांस तक जाएगा प्रॉपरली. चलो इसी कंडीशन को क्रॉस चेक करने के लिए सेम केस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करो. सेम केस पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन. नाउ ट्राई दिस वन. सर मेरे को थर्ड वाला पार्ट अभी तक कंफ्यूजन हो रहा है. बताओ क्या कंफ्यूजन है बेटा थर्ड पार्ट में? समझ भी नहीं आ रहा है आपने कहां से क्या उठा लिया. ओके, देखो थर्ड कंडीशन में आप खाली ये देखो कि थर्ड कंडीशन क्या लिखी थी. थर्ड कंडीशन अपन ने लिखी थी कि a * f ऑफ k होना चाहिए ग्रेटर देन 0. अब f ऑफ k क्या होता है, a क्या होता है, वो सबको समझना. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का मतलब क्या बोलते हो? सर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट. x स्क्वायर कोएफिशिएंट. तो एक चीज तो आई थिंक क्लियर हो गई कि मैंने ये जो a है ये कहां से उठाया, ये आपको समझ गया होगा ये वाला पार्ट. हां सर वो समझा.
अब आ जाओ एफ ऑफ के पे। अब ये एफ ऑफ के क्या होता है और इसको कैसे यूज करना है ये समझना। किसी भी क्वेश्चन में आपको एक ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दो। एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि इक्वल टू जीरो हटा दोगे तो जो वैल्यू है मैंने एज इट इज उस वैल्यू को लिख दिया है एफ ऑफ एक्स। ये समझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हाँ सर। अब हमको चाहिए था एफ ऑफ के। एफ ऑफ के मतलब मुझे एक्स की प्लेस पे क्या पुट करना है, के पुट करना है, मतलब सब जगह पे अपन के लगा देंगे ना सर। यस, सब जगह पे के लगा देंगे, जहां जहां पे एक्स है एक्स की सब जगह पे अपना के आ जाएगा बेसिकली। और क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ये भी दिख रहा है कि के का वैल्यू क्या है, वन। वन। तो मैं डायरेक्टली एक्स की जगह पे वन ही पुट कर दूंगा, क्योंकि पहले मैं एक्स की जगह पे के पुट करूँ फिर के से वन पुट करूँ, तो इससे बेटर है कि डायरेक्टली वन पुट कर दो, बात तो एक ही हो गई अपने पास। तो यहाँ पे मैं जहां जहां एक्स था उसमें वन पुट करूंगा। जब एक्स की जगह पे वन पुट किया तो ये बनेगा एम प्लस वन, ये बनेगा माइनस थ्री एम और ये बनेगा प्लस फोर एम। तो वही हमने लिखा था एफ ऑफ वन दैट इज इक्वल टू एम प्लस वन माइनस थ्री एम प्लस फोर एम। जब सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया टू एम प्लस वन। तो ये अपनी कंडीशन आ गई। सिर्फ इतना पार्ट आपके लिए नया था, बाकी पूरा पार्ट तो सॉल्विंग का है, वो आपको डायरेक्टली आता है। हाँ सर समझ गया, थैंक यू सर। चलेगा, एक बार एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसमें भी ट्राई करो, बिकॉज क्या है दो तीन बार सॉल्व कर लोगे तो अपने आप मतलब इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा। सो एक क्वेश्चन और देता हूँ सेम टाइप का, इसमें भी आपको सिमिलर कंडीशन यूज करनी है। सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इट सेज फाइंड ए फॉर विच both roots of the equation x square plus 2a plus 1 times of x plus a minus 1 equal to 0 are greater than 1. You need to find value of a for which both the roots of this equation are greater than 1. Now you know the condition. Case aapne identify kar liya hoga, it belongs to case 4. Sir. Solve karo and let me know the final answer. सर एक डाउट है। हाँ बेटा बोलो ना। सर लास्ट क्वेश्चन में भी ग्रेटर देन वन दिया था बट सॉल्यूशन दोनों नेगेटिव आए। सॉल्यूशन नहीं तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, उसने बोला था कि रूट वन से बड़े होने चाहिए और ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये तो m है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रूट एंड m, रूट तो अल्फा बीटा होते हैं। अच्छा हाँ, यस सर गॉट इट, थैंक यू। ओके या सॉरी। सर इसके डेल्टा का आंसर मेरा रूट में आ रहा है। इसका डेल्टा बोल रहे हो, एक सेकंड रुको, आई जस्ट क्रॉस चेक कि रूट में आता है या नॉर्मल आता है। इसका डेल्टा नहीं बेटा रूट में नहीं आएगा, चेक करो। ये वापस से एक वो वाला केस बनेगा, कौन सा, यूनिवर्सली ट्रू इक्वेशन।
चेक करो एक बार, इट विल रिड्यूस टू अ यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट, डेल्टा वाला केस पर्टिकुलरली सेकंड कंडीशन. तो डेल्टा को पूरा सॉल्व नहीं करना है? नहीं बेटा, जितना सॉल्व कर पाओगे उसके बेसिस पे इजीली कमेंट कर सकते हो. मतलब इतना सॉल्व कर दो कि यू कैन जस्टिफाई कि इसका सॉल्यूशन ऑल रियल नंबर हो जाएगा डेल्टा वाले कंडीशन का. हाँ सर, हो गया डेल्टा का. चलेगा चलेगा, बाकी केस सॉल्व करो आगे.
ओके चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, एक बार चेक कर लो. सो यहाँ पे एज पर दी कंडीशन जो अपने को दिया था उसको अगर मैं यूज करूँ, सो पहला कंडीशन बनता था अपने पास अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 2k. सेकेंड कंडीशन था ऑन डेल्टा, डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. एंड थर्ड कंडीशन था a into f of k, this should be positive. ये कंडीशन अपने पास फिक्स था बेसिकली. अब यहाँ मुझे बताना कि इस कंडीशन में जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना होगा इस क्वेश्चन का? अगेन k is equal to 1. What about f of x? इस क्वेश्चन का f of x क्या होगा? सर x square plus 2a plus 1 into x plus a minus 1 equal to 0. Yes, plus a minus 1 equal to 0 नहीं होगा. सिर्फ f of x में खाली इतना ही होता है. That is expression. हाँ, अब यहाँ पे step by step तीनों के इसको solve करेंगे. First is alpha plus beta and as k is 1 तो alpha plus beta बनेगा greater than 2. मुझे बताओ इस equation का alpha plus beta क्या होगा? Sum of roots क्या होगा? सर a is -2a + 1. ओके, नाउ थ्रू आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2a plus 1 less than minus 2. करेक्ट. और इसको आई कैन राइट 2a less than minus 3 और आई कैन राइट दिस पार्ट एज a less than minus of 3/2. अब अगर a -3/2 से छोटा है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो कि इस केस में जो आपका a होगा वो होगा -∞ से -3/2. a belongs to -∞ से -3/2. जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन, सबका फर्स्ट पार्ट का या फर्स्ट कंडीशन का आंसर यही आया? यस और नो? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट इज डेल्टा. जब डेल्टा की बात करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन था कि डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. जब डेल्टा की बात करता हूँ तो डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो डेल्टा है उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. बी स्क्वायर मतलब हो गया अपने पास सर उधर, सर जब आपने माइनस कॉमन निकाला तो 2a - 1 आना चाहिए ना? नहीं बेटा, माइनस कॉमन नहीं निकाला, माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में था पहले से ही, मतलब माइनस बी अपॉन ए लिखते ना अपन यहाँ पे. जो अपने पास कंडीशन था वहां पे माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं, तो बिकॉज वो माइनस बी अपॉन ए है तो मैंने माइनस लिखा और फिर पूरा बी लिखा है, ए तो वन हो गया और इस माइनस को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे. ठीक है, इट विल बी बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर टाइम्स ए सी. ए तो वन है और सी हो गया ए माइनस वन. तो इस तरीके से अपना कुछ इक्वेशन बनेगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा 4a प्लस 4a प्लस 1 माइनस ऑफ 4a प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. प्लस 4a से माइनस 4a कैंसिल. अब जो यहाँ पे इक्वेशन या इन इक्वेशन बना है ना इसको समझना, 4a स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अगेन यहाँ पे एक स्पेशल केस है. मुझे बताओ जो a है मैं उसको कुछ भी पुट करूँ, a स्क्वायर आपके पास कभी नेगेटिव आंसर दे सकता है क्या? आप ए को कुछ भी पुट करो, क्या बोलूं, ये इन इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगा जिसको हम बोलेंगे यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट. और अगर ऐसा बनता है तो उस केस में हम आंसर क्या बोलते थे, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर. ए के सभी वैल्यू अलाउड है. अगर आपको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको ऐसा बोल दोगे कि जो a है वो माइनस इनफिनिटी से लेके इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, a could be any real number. जस्ट मुझे कंफर्म करो सबको समझा सेकंड पार्ट? हाँ सर इतना करेक्ट है. ओके, नाउ लास्ट पार्ट देख लो जहां पे मिस्टेक होने का स्कोप ज्यादा होता है. लास्ट पार्ट होता है a into f of k should be greater than जीरो. अब अगर मैं इस इक्वेशन का a ऑब्जर्व करूं तो इस इक्वेशन का a क्या होगा, a मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कितना दिया है 1 दे रखा है. यस, तो ये तो हो गया 1 into f of k, k का वैल्यू भी 1 था तो ये बनेगा मेरे पास पुट करने पे 1 into f of 1
ग्रेटर देन जीरो। अब मुझे एफ ऑफ वन का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह पे वन पुट कर दूंगा। जब एक्स की जगह पे वन पुट करता हूं तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बनेगा सर, वन प्लस टू ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन। यस वेरी गुड, इट विल बी वन प्लस टू ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन। तो मैं यहाँ पे x की प्लेस पे वन पुट करता हूँ, इट विल बी एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन प्लस टू ए माइनस वन प्लस ए, एक सेकेंड, एफ प्लस टू ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन, सॉरी टू ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन। सो वन प्लस टू ए प्लस वन प्लस ऑफ ए माइनस वन। अब जब मैं एफ ऑफ वन को सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, ये मेरे पास आएगा थ्री ए प्लस वन, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। सो ये बन जाएगा थ्री ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, जिसका मतलब रहेगा a इज ग्रेटर देन माइनस वन अपॉन थ्री। अगर मैं इसको नंबर लाइन के या फिर यू कैन से इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा a इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ वन अपॉन थ्री, और आई शुड से a बिलोंग्स टू माइनस वन अपॉन थ्री टू इन्फिनिटी। अब मुझे कंफर्म करो, थर्ड कंडीशन समझ गया? यस सर। अच्छा नाउ अब इन तीनों को प्लॉट करते हैं साइमल्टेनियसली नंबर लाइन पे, एंड लेट्स सी कॉमन रीजन कैसा दिखेगा और कहां पे आएगा। सो अगर मैं इन तीनों को, हाँ बेटा सर, जैसे कि सेकंड डेल्टा वाले कंडीशन में है कि माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, हाँ तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि फाइनल आंसर माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी? नहीं बेटा, हमको कॉमन लेना है। जो आप बोल रहे हो वो फिर आप यूनियन का आंसर बोल रहे हो। कॉमन का मतलब क्या हो जाएगा बेसिकली, कि अपने को हर एक केस को इंडिविजुअल सिंप्लीफाई करना है और तीनों में कॉमन देखना है नंबर लाइन पे। तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते आप, आपको क्या करना पड़ेगा ना कि आपको तीनों को प्लॉट करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा। द ओनली डिफरेंस विल बी कि जब सेकंड पार्ट को प्लॉट करोगे ना तो सेकंड पार्ट आपका पूरा नंबर लाइन ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा नंबर लाइन। तो मैं बोलूंगा इसका, हाँ इसका आंसर पे इम्पैक्ट नहीं होगा, ये आंसर डिसाइड नहीं करेगा, आंसर डिसाइड बाकी लोग करेंगे बेसिकली। सो अब चेक करो स्टेप बाय स्टेप कैसे प्लॉट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है वो आया था कि ए जो है वो माइनस वन से माइनस थ्री बाई टू तक है। सो माइनस वन से माइनस थ्री बाई टू, लेट से मैंने यहाँ पे माइनस थ्री बाई टू प्लॉट किया। सो ए बिलोंग्स टू माइनस वन टू माइनस थ्री बाई टू, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री बाई टू है ना, एक सेकेंड आई जस्ट कन्फर्म, ए बिलोंग्स टू यस माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री बाई टू, ये अपना फर्स्ट केस हो गया। अब जो सेकेंड केस है दैट इज ऑल रियल नंबर, तो इसको प्लॉट करने का तो सिंपल सा आपके पास टेक्निक है, पूरा नंबर लाइन ही आ जाएगा। तो कंप्लीटली इस नंबर लाइन को पूरा प्लॉट कर देंगे, विच इज दिस वन, ये पूरा आपका सेकंड केस हो गया। सेकंड केस में कोई इशू नहीं है। नाउ मूविंग टू थर्ड केस, थर्ड केस था माइनस वन अपॉन थ्री से इन्फिनिटी। मुझे बताओ माइनस वन अपॉन थ्री कहाँ लाई करेगा सर? थ्री बाई टू के पहले राइट, मतलब यस थ्री बाई टू के राइट में। सो यहाँ पे कहीं मैंने प्लॉट कर दिया माइनस वन अपॉन थ्री। अब जब इसको प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस वन अपॉन थ्री से इन्फिनिटी। नाउ अब आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो एंड चेक करना चालू करो, आपको वो रीजन ढूंढना है जहां पे तीनों लाइंस साइमल्टेनियसली लाई कर रही है, ठीक है? जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से, कोई नहीं है, यस एक्चुअली इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका जो फाइनल आंसर रहेगा दैट विल बी नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में ए का ऐसा एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो आपकी तीनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ए का कोई वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ पे आप सिंपली बोल दोगे कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन विल हैव अ सॉल्यूशन जिसके रूट्स आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप कितना भी ऑब्जर्व करो आपको दिखेगा कि इस पूरे पार्ट में देयर इज नो कॉमन रीजन जहाँ पे तीनों साइमल्टेनियसली आ रहे हो, ठीक है? तो इसीलिए आप कहीं से भी स्टार्ट करो, यहाँ पे आपको दो साइमल्टेनियस दिखेंगे, यहाँ तो ये अकेला है, फिर यहाँ पे ये दो साइमल्टेनियस आ गए, बट तीनों कहीं नहीं आएंगे। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर रहेगा नो सॉल्यूशन, मतलब ए का एक भी वैल्यू नहीं है जो अपनी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप समझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे किया? यस सर। ओके, क्या आप लोगों के भी आंसर्स पार्ट बाय पार्ट यही आए थे? सर लास्ट वाला खाली अलग आया था, बाकी बराबर था। ओके, सो लास्ट वाले में क्या मिस्टेक हुआ वो समझ गया अभी? हाँ सर। सो यहाँ तक हम लोगों ने चार केस कंप्लीट किए हैं, इसके पांच केसेस और पेंडिंग है, बट वो पांच केस हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, वहां पे कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है? और पांच केस, यस टोटल नाइन केस है बेटा। एक्चुअली क्या होता है, नाइन केस नहीं है, टोटल तीन ही केस है, बट हर एक के तीन सब पार्ट होते हैं। जैसे अपन ने वन टू थ्री पढ़ा ना, तो तीनों सेम थे। क्यों?
एक में दोनों पॉजिटिव, एक में दोनों नेगेटिव, एक में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये तीनों मिला के एक केस काउंट करो। अब अभी आपने क्या देखा फोर्थ केस में कि दोनों रूट के से बड़े हैं, तो फिफ्थ हो जाएगा दोनों केसे छोटे हैं, और सिक्स हो जाएगा एक के से बड़ा एक के से छोटा, तो इसलिए वो नाइन केसेस इक्वल टू जीरो आ गया ना, जब आपने पॉजिटिव नेगेटिव बोला तो जीरो आ गया ना बेटा। जीरो वाला केस पहले हो गया। हाँ बेटा सर आपने वो असाइनमेंट का बोला था ना। हाँ मैं उसको अभी शेयर कर देता हूँ, वो रेडी है, मैं आपको अभी कभी जो भी अपने पार्ट से असाइनमेंट का और नोट्स का कल का और आज का सब शेयर करता हूँ ना। हाँ बेटा वापस से बोलना। हाँ हाँ श्योर मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। चलो चलो बाय बेटा, थैंक यू, बाय बेटा। हाँ सर हैप्पी जर्नी सर, थैंक यू, बाय सर, बाय बेटा।